आईटी से आम की तरफ देखने का कैसे शौक हुआ, इस तरफ कैसे शौक हुआ? आपके कोई दोस्त अहबाब करते थे या जिक्र सुना था या कैसे ख्याल आया? अब एक्चुअली आम खाने का तो हम सब लोगों को पाकिस्तानीज को तो शौक हमेशा से ही होता है, जाहिर है। इतना कि भाई किसी कोई किसी भी कंडीशन में हम कहेंगे भी आम आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास शुरू में मैंने एक ही दरख्त लगाया था आम का, जूली। लेकिन उसके बाद इतनी जगह होने के बावजूद मैंने इतना ज्यादा काम नहीं किया यार्ड में। फिर वो मेरी जो वाइफ थी उनको एक मौके पर शौक हुआ, तो हमने कुछ और फल के दरख्त लगाए, जैसे लीची हुआ, लोकाट हुआ। लेकिन लीची जो है ना उसने कुछ फल प्रोड्यूस नहीं किया। पपाया जो है ना हमेशा बहुत ज्यादा होता था और हम पपाया जो खाते भी रहे। कोकोनट यहाँ बहुत था, कोकोनट भी, ये सारी चीजें। फिर हमें जो ना आम का जो कुछ हमने इधर उधर से दूसरा आम भी स्टोर से लाना शुरू किया ना, तो वाइफ को शौक हुआ। फिर जो हमने लगाने शुरू किए ना वेजिटेबल्स के साथ साथ आम के मुख्तलिफ दरख्त भी, तो फिर वो इसी दरम्यान में मेरी मदर इन लॉ यहाँ आ गई। तो उन्होंने क्या करना कि भाई फल का इधर हमने कुछ खाया है, वो गुठली लेकर के उन्होंने कोई ना कोई दरख्त लगा देने। अच्छा, तो जब अच्छा ये घरेलू दरख्त लगे शुरू में घरेलू लगे ज्यादा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो फिर उसने उसके बाद हमने कुछ जो है ना फार्म से भी ले लिए, खरीदे भी, नर्सरी से भी खरीदे। तो वहां से उनको फिर शौक हुआ। फिर जो दोबारा जो ना मेरी ये जो क्रिकेट ग्राउंड थी, हमने यहाँ पर नाइटली क्रिकेट होती थी, एक दो पिच बनी थी, एक नई बनाई थी यहाँ जो आपको ये प्लांटर नजर आ रहा है ना डायगोनल, ये इसमें एक नई पिच जो हम नाइट क्रिकेट के लिए खेलते थे, जहाँ हम बैठे हुए हैं इस पे हम डे क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, ये बैक इन 2001 से है ये वाली। अच्छा, अब दो साल पहले वाइफ कहने लगी अब टैक्सेस बहुत बढ़ गए हैं, तो हमें इसका जो है ना वैसे भी हमारे पास आम के दरख्त बहुत होते जा रहे हैं, मुझे जगह चाहिए लगाने के लिए। फिर हमने जो है ना क्रिकेट बंद कर दी। अब वाइफ कह रही है तो मैं उसको कुछ ज्यादा पुश बैक नहीं कर सका। तो फिर मेन इसमें इंसेंटिव जो था ना वो तो हमने शुरू में इसलिए किया कि भाई टैक्स ब्रेक मिलेगा हमें। वो कैसे? कि जब हम यहाँ पर इसको ये लैंड इस्तेमाल हो रही है ना कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए जी, तो इसमें जो है ना जैसे हमारा इसमें $12,000 टैक्स है, तो वो टैक्स जो है ना फिर उसको ब्रेक दे देते हैं हमें, सिर्फ एग्रीकल्चरल या कमर्शियल यूज के लिए अगर इसको हम यूज कर रहे हैं ना आम को, हम अगर इसको सेल करेंगे तो फिर वो हमें टैक्स ब्रेक दे देंगे। और फिर अब जब हमें शौक हुआ लगाने का जी, तो फिर हमने फिर इसको होलसेल हमने जो ना तो नजीर साहब हमारे यहाँ तो पता चले कि ये बिजनेस कर रहा है तो और तंग करते हैं और पैसे बढ़ाते हैं। यहाँ मैं देखता हूँ माहौल ऐसा है कि बिजनेस वालों को सपोर्ट करते हैं कि आप बेचें ऐसे। हाँ, ये बात तो है ना, ये बात तो है कि जैसे टैक्स ब्रेक है तो वो देते हैं जब वो चाह रहे हैं कि आप करें कुछ। हाँ हाँ, इनकरेज कर रहे हैं। हाँ, कि भाई शो अस दैट यू आर डूइंग इट ऑन कमर्शियल बेसिस, तो विल गिव यू द टैक्स ब्रेक ऑन दिस। बताइए जी। हाँ, कि वो आपको उभार रहे हैं कि मैशत बेहतर करो, काम करो, चीजें बेचो, है ना। बिल्कुल, थर्ड वर्ल्ड में इंस्पेक्टर पहुंच जाते हैं कि लाइसेंस दो, कैसे कर लिया, है ना। जैसे इन लोगों को ना इस साल के टैक्स ब्रेक के लिए ना जी, तो देखना यह था कि भाई फर्स्ट ऑफ द ईयर के अराउंड दैट टाइम हाउ मेनी प्लांट्स आई हैव इट। वो एक तो एरियल शॉट तो लेते हैं हेलीकॉप्टर से। अच्छा। हर क्वार्टर लेते हैं सारे एरिया का, पूरे सीरीज का होता है पूरा यहाँ। अच्छा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ द जनवरी जो कि यहाँ हॉलीडे थी, वो जो ब्रावड़ अप्रेजल डिपार्टमेंट से लेडी जो है ना, शी शोड अप ओवर हियर एट माय डोर and she took all the pictures. अच्छा, how many trees I have it and is it truly based on that, so they were going to decide. Okay, check भी अच्छा है, उसके बाद support भी है। जी हाँ। अच्छा, तो anyway, तो इसका क्या scope है business में? अगर आपने शुरू तो कर दिया, लेकिन आपने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता आप कहाँ से लाए पौधे? यहाँ पर एक पाम बीच में ना एक होलसेल की एक है, एक प्लेस फार्म है, वो रिटेल वालों को बेचते भी नहीं है। मिनिमम जो ना आप उनसे 50 दरख्त खरीदे एक ट्रांजैक्शन में, तो फिर वो और आपको साल में मिनिमम उनसे जो है ना 200 पौधे खरीदने हैं। अच्छा, देखिए अब हमने शुरू में तो शौक में वाइफ ने कि हर आम को टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए, वैरायटी को चेक करने के लिए हमने मुख्तलिफ 100 किस्में लगा दी है। ओके, लेकिन अगर आपको जैसे मार्केट करना है ना एक इंडिविजुअल मुख्तलिफ स्टोरों पर, तो उसमें यह कि आपको ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है कि जिसकी शेल्फ लाइफ भी लंबी हो। okay. कि वो स्टोर पर जाकर के 4-5 दिन पड़ा रहे भी तो खराब नहीं हो आम। oh. और उसमें कुछ लोग ये देखते हैं कि कुछ लोगों को पसंद है कि मीठा ज्यादा पसंद है आम, जैसे हमारे पाकिस्तान इंडिया के लोग जो है ना दे लुक फॉर द स्वीट टेस्ट, जो कि इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट है, ठीक है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना अब उसमें, और हमारे पाकिस्तान के लोग जो ज्यादा, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो इस बात की परवाह नहीं करते कि इसमें फाइबर कितना है, रेशा कितना है, वो देखते हैं आम होना चाहिए और मीठा होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग जो देखते हैं कि आम बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन इवन द मेजोरिटी पीपल जो कुछ अब ज्यादातर पहले तो बड़े आम भी खरीदते थे ना, तो उसको काट के ना उसको शेक बनाते थे। अभी जो ट्रेंड पाकिस्तान में भी ये है
कि जैसे अच्छी क्लासेस में खुसूसन दे विल बाय द मैंगो दे वांट टू कट इट इन क्यूब्स ओके, तो उसके लिए बड़ा आम उनको चाहिए अच्छा। और उसमें भी वो भी आप देखते हैं कि उसमें फाइबर कम हो अच्छा। तो यही चीज अमेरिका में देखी जाती है कि भी उसमें फ्लेवर हो मीठ, लेकिन बहुत ज्यादा चाहे मीठा ना भी हो लेकिन उसमें जो ना एक किस ना मुख्य डिफरेंट फ्लेवर होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू कट इट इन क्यूब्स एंड पुट इट ऑन द टेबल्स ऑफ फ्रेंड ऑफ समवन। अब हम लोग जो है हम लोग तो ये है कि भाई अगर काटेंगे भी तो लंबी लंबी वो एक काट बस हाँ, हाँ। और वो खा ली यहाँ बगैर ऐसे भी हो जो हम लोग अच्छा, यहाँ कांटे से खाते हैं हाँ। अच्छा या अब तो अगर कमर्शियली करूँ कमर्शियली करूँ तो शेल्फ लाइफ देखो शेल्फ लाइफ उसकी देखें हाँ। और उसका फ्लेवर या टेस्ट उसमें भी थोड़ा देखें। अभी जो स्टोरों पे बड़े स्टोरों पे जैसे सैम्स क्लब या वॉलमार्ट में बिकता है ना वो इतना मीठा आम नहीं होता ठीक है। उसमें मिठास भी इतनी नहीं है लेकिन उनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी है ज्यादा कि भाई वो जो है ना आम 4-5 दिन तक जो है ना इजीली सरवाइव कर जाता है स्टोर में पड़ा हुआ भी फिर उसको जो है ना फार्म से आने शिप करने से लेकर के स्टोर तक पहुंचने में तो नजीर भाई मैं ये सारे तजुर्बे करूं या कोई रिसोर्स है जहां से सीख सकता हूं? इसका ये कि इसके जो आम कोई मुख्तलिफ किस्में हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट किए भी है ना इन द पास्ट कि भी आप जैसे अमेरिका के अंदर इस वक्त 300 से ज्यादा टाइप्स मुख्तलिफ किस्में हैं आम की 300 जी हाँ। तो आप या तो उनके एक्सपीरियंस से भी कंसल्ट करके तो उसी को आप फॉलो कर लें ठीक है ओके। तो दूसरा ये कि आप अजय खुद से टेस्ट करें हाँ। और देखें और उसके बेस पे चलें। तो आपकी ये डेमोक्रेट ऐसा कोई इदारा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है जहां रिसर्च वगैरह होती है मालूमात होती है? जैसे ये होमस्टेड में हमारे हाँ। एक इज यू कैन कॉल इट सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टाइप ऑफ एक लोकेशन है उनका बल्कि मैंगो पे उनका ज्यादा फोकस है तो होमस्टेड में है अच्छा। तो दे ट्रैक एवरीथिंग आल्सो अच्छा। और आपको ये भी वो बताएंगे कि आप उस दिन बता रहे थे एक कंसल्टेंट भी है जी हाँ। वो एलेक्स जिसका मैंने जिक्र किया ना हाँ। तो वो कंसल्टेशन सर्विस भी प्रोवाइड करता है अच्छा। तो आप जो है ना कि नॉलेज तो वो तो इंडिया पाकिस्तान का नहीं उसने कहाँ से सीखा ये सब? वो यही कि जब उसने शुरू में इस एरिया में आया ना तो इस एरिया में उन्होंने जैसे आम लगाए हमारे जो हाँ, इंडिया पाकिस्तान के उसी आदमी की बात कर रहे हैं जिसने आम इंट्रोड्यूस कराया मॉल में चखाया सबको उसके हाँ, अपने फार्म के लिए अपने फार्म, लेकिन अच्छा, उससे पहले हाँ, आप जैसे जहाँ से मैं होलसेल पर लेता हूँ ना वो एक जेल फार्म है लेकिन वो जो बंदा है ना जेल उसने रिसर्च की इस एरिया में बहुत सारी वो गवर्नमेंट से ग्रांट्स भी लेता है बहुत सारी एंड ही इज लाइक एन प्रोफेसर आल्सो इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो अब उसका जो वो होलसेल का फार्म है हाँ। अब उसने अपनी आम की बहुत सारी वराइटीज भी इंट्रोड्यूस करवाई है सही। तो अब वराइटी इंट्रोड्यूस करवाने का यही है कि वराइटी कैसे बना सकते हैं खुद से? अब जैसे आप खुद से अपनी सीडलिंग से जब ग्रो करते हैं हाँ। तो उसके लिहाज से फिर आप जो है ना ये आप कहेंगे कि आपकी ये नई आपकी वराइटी है कि आपने खुद से सीड से इसको ग्रो किया है अब उसको कंटिन्यूसली एक साल या दो साल एक कंसिस्टेंट टेस्ट रहेगा उसका फ्लेवर रहेगा फिर आप इंट्रोड्यूस करते हैं उसको जो तो आप कह रहे थे कि आप ग्राफ्टिंग भी होती है इसकी हाँ, वो कैसे? वो हमारे घर में तो किसी को नहीं मालूम हैरान हुए। पाकिस्तान में ग्राफ्टिंग बहुत होती है जो पाकिस्तान में फार्म्स हैं अच्छा वो सभी लोग ग्राफ्टिंग करते हैं बल्कि आम जो माली टाइप के लोग भी होते हैं वो भी करते हैं ग्राफ्टिंग। हम समझ रहे थे बीज से बनते हैं आम खाली नहीं 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 वो हमारे आम जो शहरों में लोगों को इतना कंसेप्ट नहीं है ना अच्छा लेकिन जो लोग ये काम करते हैं उनको पता है पाकिस्तान में बहुत सारी वरायटी है इस वक्त सिंध में। नजीर साहब आम की तरफ क्यों? यहाँ तो अवोकाडो बहुत बिकता है और बहुत सारी चीजें ओलिव तो है अवोकाडो बिकता है ओलिव हाँ। यहाँ जो अब ओलिव की बजाय तक बात है स्पेनिश ओलिव बहुत सारा खाता है करता है लेकिन वो जो मार्केट है ना एक बहुत बड़े पैमाने की मार्केट है ओके। अवोकाडो की भी मुकाबला बहुत है इसमें और जी हाँ अच्छा। भी और फिर कंपटीशन ज्यादा है ये नई चीज है हाँ मैंगो में हम लोगों के लिए अब कंपटीशन ठीक है बड़े स्टोरों ने रखना तो शुरू किया है जैसे वॉलमार्ट ने या इन्होंने लेकिन इसके बावजूद जो ये वैरायटी देसी लोग या पाकिस्तानी या इंडो पाकिस्तान या इवन इंडो चाइना लोग इस्तेमाल करते हैं ना खाते हैं जी। वो यहाँ स्टोर में भी नहीं मिलेगी आपको अच्छा। स्टोर में तो वो इतना मीठा मैंने बताया ना कि आम नहीं होता हाँ। उनका फोकस ये है कि शेल्फ लाइफ है और काटने में आसानी हो सर्व करने में आसानी हो अच्छा। तो कॉमन यहाँ पे कौन से ज्यादा बिकते हैं? अब यहाँ पर जो ना कि कैंट और कीथ ये आम है कि जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है और ये बिकते भी हैं यहाँ पर ज्यादा। फिर जो मेक्सिको से एक अटोल्फो मैंगो आता है वहाँ से शैम्पेन के नाम से भी है उन्होंने मुख्तलिफ अब वो जो है ना एक उन्होंने मेक्सिको से वैरायटी आती है जो है इंडिया पाकिस्तान की वैरायटी है अच्छा। तो उसी को उन्होंने नाम चेंज करके यहाँ पर मार्केट करते हैं क्योंकि उसका फ्लेवर चेंज हो गया हुआ है अच्छा।
तो और उसकी थोड़ी सी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो गई है। वैसे अब यहाँ के आम बड़े बड़े नजर आते हैं मुझे। हाँ, अब हमारे पास बड़े जो आम है हाँ। उनमें हमारे पास एक आम है अपना वैलेंसिया प्राइम। अच्छा, कौन सा है वो पौधा? उधर है आगे। अच्छा, दिखाऊंगा, आप देखना चाहें तो। हाँ दिखाएं। अच्छा, थोड़ा आगे। वैलेंसिया बड़े आम होते हैं, कितने बड़े होते हैं? वो तकरीबन 5 पाउंड तक का भी है, जो 2.5 किलो तक का भी आम हो जाता है। अच्छा, 2.5 किलो का एक आम कभी एक आम हो जाता है। अच्छा, हाँ। जो बड़े वाला वैलेंसिया प्राइम भी है। अब अगर आपने ग्राफ्टिंग की है जी, तो वो छोटी एक वैरायटी भी है हमारे पास, वो 2 दरख्त है। अच्छा, उसके भी है, उसके भी जैसे। और वैलेंसिया प्राइड जो है ना, वैसे हाँ। तो ये लेट सीजन तक फल देता है हाँ। ये वाला जो है ना दरख्त हाँ। ये वैलेंसिया प्राइड है। अच्छा। हमारे इसने इस दफे शुरू में जब फल दिया है हाँ। में, हाँ। जैसे कि हमने सितंबर में इसमें लास्ट सॉरी हाँ। जुलाई में लास्ट फल उतारा है इससे। तो ये वैलेंसिया है, ये वैलेंसिया प्राइड है। इसकी क्या उम्र है दरख्त? ये दरख्त जो है ना तकरीबन ये 4 ईयर। अच्छा, और एक दफा फल दे चुका? ये 2 दफा फल दे चुका है। अच्छा, अबाउट 4.5 ईयर ओल्ड। अच्छा, और ये जो है ना हाँ। ये भी हमारा, ये हमारा सीडेड था ये, और ये वैलेंसिया का हाँ। और जूली का एक जो है ना एक मिक्स था। जूली कहाँ है? जूली है वहाँ। अच्छा, तो जूली का मिक्स कैसे किया? एक की टहनी काट के दूसरे पे ग्राफ्टिंग की? ग्राफ्टिंग की दोनों को। अच्छा, उसमें फ्लेवर बाज का जो है ना ये हो जाता है, उसमें आ जाता है बाज का। अच्छा, कि भाई एक से दूसरे पे ग्राफ्ट किया तो ये इसमें थोड़ा जो स्वीटनेस जो है हाँ। हमें इसमें जूली वाली नजर मिली थोड़ी सी हाँ। और जो है ना उसकी जो फल का अंदर जो है ना हाँ। फाइबर उसमें बहुत लेस फाइबर है हाँ। वो वैलेंसिया प्राइड की तरफ जैसे मिली। तो वैलेंसिया बहुत चलता है? तो वैलेंसिया बहुत कॉमन नहीं है लेकिन हाँ। जो लोग बहुत पसंद करते हैं। और क्या कीमत होगी मार्केट में इस वक्त, 1 किलो की या 1 पाउंड की? जो जैसी वो जो फार्म दो बता रहा हूँ पाम बीच में, पीपल स्पेशली हैव टू गो देयर ऑन साइट इफ दे बाय इट, $7 per pound। मार्केट में नहीं मिलेगा आसानी से? नहीं, स्टोरों पर नहीं मिलता। ओ. और लेकिन जब वो लोग शिप करते हैं ना इसको हाँ, इधर आ जाता है, तो इट्स लाइक 10 pound इज लाइक $150। अच्छा, सेम वन इफ दे गोइंग टू शिप इज गोना कॉस्ट यू $150 टू इन योर होम 10 pound। आप जो बात कह रहे थे दो पौधे को मिला के एक नया बन जाता है, उसकी वजह नहीं, उसकी मैं समझता हूँ, एक तो हमने उसको शायद ग्राफ्ट इसको जूली के ऊपर किया था हाँ। दूसरा ये भी होता है पॉलिनेशन भी होती है ना वो। ओ, भी होता अच्छा है, अच्छा, तो इसमें भी फ्लावर तो अगर इस आपकी कोशिश से कोई नया आम वजूद में आया तो उसको नाम कौन रखेगा, उसका मालिक कौन होगा, ब्रांड का ये क्या है? अब ये उसका यही होता है कि जो यहाँ पर जो फेयर होता है ना एनुअल हाँ। आप उसमें अपना लेकर के जाए फ्रूट हाँ। आप उनको बताइए, उनको वहाँ पर जो ना टेस्ट भी करवाएं हाँ। तो दे आर हैव अ फुल रिकॉर्ड्स। अच्छा, ये जो होमस्टेड में मैंने बताया ना हाँ, आपको हाँ। और वो एक जेल वाले हैं वो भी आते हैं। अच्छा, तो मुख्तलिफ ये जो पीपल देयर लाइक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड दे हैव वेरी गुड हिस्ट्री रिकॉर्ड हो जाएगा हाँ। अच्छा, तो फिर उनके साथ वो इफ दे ऑल एग्री हाँ। दे पीपल विल टेस्ट इट अच्छा। देन दे विल डू द यू नो रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वन। अच्छा, हमारे पास अब यहाँ पर 2-3 आम के दरख्त ऐसे हुए हैं हाँ। कि जो कि हमने सीडलिंग से उगा लिए हैं हाँ। लेकिन यह के भी वी थिंक दैट ओके इफ नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू सेम फ्लेवर वी विल टेक दिस वन एज एन आवर ब्रांड। अच्छा, वी आर प्लानिंग इट हाँ, यानी कि सुपर इसको हम जो है ना हाँ, वो सुपर जूली का नाम दे रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ना हाँ, यहाँ पे सामने, यानी ये आपकी कोशिश से बना है हाँ, और इसको जो है ना सुपर जूली का हमने नाम क्यों दिया हाँ, कि ये इसका आम बड़ा था हाँ, तकरीबन जो है ना ये समझ लें कि 1 किलो के करीब तकरीबन हाँ, और इसका जो टेस्ट है ना स्वीटनेस वो जूली की तरह है। जूली ये है हम चूंकि काफी पहले पिछले कुछ सालों से पहले तो हम इसकी इतनी केयर नहीं करते थे। अच्छा, कि भाई ये पुराना दस्त लगावा था हाँ, और इसको थोड़ा सा डिजीज भी हो गई थी लेकिन हमने इसकी केयर शुरू की है हाँ। तो ये जूली है और इसके पेट से आपने ये बनाया सुपर जूली, लेकिन ये बड़ा लग रहा है उससे जी। कैसे, ये तो बात का है और ये पहले का ये छोटा? हाँ, वैसे जूली अच्छा ही होता है, छोटा ही होता है, लेकिन उससे ये चीजें नजर फिर अभी, लेकिन इसको हम थोड़ा ट्रिम भी किया। अच्छा, इसके बावजूद इतना वो ऊंचा नहीं। तो जूली की क्या खास बात है? जूली जो है ना बहुत मीठा आम है। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी जैसे मीठे आम है ना हाँ, तो उनकी तरह ये जो ना बहुत मीठा आम है। अच्छा, और इसमें लेकिन थोड़ा सा फाइबर है लेकिन हाँ, इसकी जो स्वीटनेस है ना हाँ, मतलब कि किसी भी पाकिस्तानी मरे जो आम है ना उनसे आप इसको, हम इसको पाकिस्तानी आम समझ के खा सकते हैं हाँ जो। अच्छा, लेकिन छोटा है हाँ, हमारा वो जो है ना अपना चौंसा आम है उसका वो ज्यादा खूबसूरत है और लंबा है, लेकिन इसके ना आम में इतनी खूबसूरती नहीं है। अच्छा, इसका आम जो है ना छोटा जायके में अच्छा होगा हाँ, और इसके हमारे इस एरिया में हाँ, जब हम थोड़ा वेस्ट में रहते हैं ना हाँ, से हम ज्यादा करीब है ना हाँ, तो उसकी वजह से इसके ऊपर थोड़े से दबे दबे भी आ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट भी नजर आएंगे, मतलब वो खूबसूरती जो है ना वो इस फल में नहीं। दूसरे आम के बारे में बताएं,
जूली के अलावा कैरी है हमारे पास, कैरी अच्छा वो फ्रंट पर है, अच्छा वो भी हमारे पास जूली है, बारे वो भी जूली छोटे कद का है वो भी है ना। और एक इधर हमने जो ना लगाए थे खुद से सीडलिंग से, इनका भी आम है ना, इनके साथ भी वो प्रॉब्लम नहीं थी कि आम बहुत मीठे थे ये भी, लेकिन इनका भी थोड़ा सा कलर डार्क हो गया था। जो ये भी जूली है? नहीं, ये हमारे सीडलिंग से हमने लगाया। सीडलिंग, अच्छा आपने लगाए, आपको तो याद भी नहीं है कि किस क्या नाम है? अच्छा अच्छा, तो वो इस किस्म के तो सीडलिंग वाले आप इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके क्रॉस करके नए पौधे बना सके, क्योंकि जो जब वो हनी बीज इधर उधर क्रॉस पॉलिनेशन करती है ना, तो उससे भी फ्लेवर चेंज हो जाता है। अच्छा, तो क्या जो सीडलिंग से पौधे आते हैं वो अच्छे रहेंगे फल देने के लिहाज से, या जो ग्राफ्टिंग करके, या कोई फर्क नहीं? दोनों का अपना अपना है। अच्छा, आप दोनों का डिपेंड करता है, अगर आपने एक खास पौधा ही लगाना है तो वो आप उसको उसी से लगाएंगे जो ग्राफ्टिंग करके ही। अच्छा, अब ग्राफ्टिंग में कई मुख्तलिफ किस्में हैं। हाँ। भाई एक तो यह कि जैसे हमारा वो ट्रेडिशनल है कि आपने एक इधर इसको काटा एंगल शेप में, जैसे पेंसिल काटते हैं 45-30 degree पे, दूसरे को भी आपने काटा और दोनों को ऐसे मिला दिया। अच्छा अच्छा, और उसके अलावा जो है ना इसको होल करके ना इसके अंदर, जैसे ये मेरी वाइफ ने लगाए हुए हैं, देखें ये जो सिल्वर के अंदर है मिट्टी है, खाद है। हाँ, यहाँ पर आगे लगाई हुई है, ये भी एक ग्राफ्टिंग का तरीका है। नहीं तो ये तो इसके अंदर से पौधा निकलेगा। हाँ, इसके जो ना वो मिट्टी डाल के और कुट्टे इसको लगाया हुआ है। हाँ, तो ये इसकी ये भी एक ग्राफ्टिंग का तरीका है। अच्छा, और इसके अलावा एक और भी है जिसमें जो ना हम थोड़ा होल ड्रिल करते हैं। अच्छा, तो उसके अंदर स्टिक लगा देते हैं। ओके, किसी दूसरे उसकी। अच्छा, वो दूसरा तरीका है। अच्छा, तो जबरदस्त ग्राफ्टिंग के तरीके हैं, 3-4 वो हम बात किसी और वक्त तो हमारे जो इतने पाकिस्तानी हैं नॉर्थ अमेरिका में, टेक्सास में और जगहों पे जमीनें हैं, वो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जो हर जगह की यूएस में सारी एनवायरमेंट्स है जो है ना, मैंगो वहाँ पर नहीं होता। कुछ जगह जो हॉट एरिया है ना, जहाँ पर वेदर ऐसा अच्छा है और सैंडी एरिया है उसकी जो है ना सोयल अच्छी है, जैसे हमारे भी यहाँ पर जहाँ सैंडी एरिया ज्यादा है ना और ह्यूमिडिटी कम है थोड़ी, वहाँ पर ये आम अच्छा होता है। ओके, हमारे इस एरिया में भी आम तो होता है, लेकिन इस एरिया के क्योंकि हम वेस्ट में ज्यादा है ना, तो एक चैलेंज हमारा ये है कि भी जो ह्यूमिडिटी की वजह से ना आम थोड़े से ब्लैक हो जाते हैं। अब उसके लिए सोल्यूशन है, अगर कोई ना कोई हमारा फोकस है कि हम इसको ना ऑर्गेनिक रखें। हाँ। दूसरे जो केमिकल है ना जो, अच्छा ये सारे आप ऑर्गेनिक लेके चल रहे हैं आप? हाँ, कि इसको तो ये तो महंगे होंगे फिर इस तरह। और हमारा प्लान भी है ना उसी बेस पे इसको मार्केट करेंगे ना। ओके, इसलिए हमने वैरायटी लगाने में भी। नजीर भाई, आप तो आईटी के कैसे बेचेंगे ये सब, धंधा कहाँ आता है आपको ये सब? ऑनलाइन। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं अपना वो एलेक्स का। हाँ, एलेक्स की जो ना वेबसाइट मेंटेन करती है, उसकी गर्लफ्रेंड थी जो पिछले दो साल तक जो ना पहले तक। अच्छा, अब उस साल उसने से शादी कर ली है। अच्छा, तो वेब मास्टर से शादी कर ली, सिक्योरिटी की थी। हाँ। और वो वेबसाइट भी मेंटेन करती थी, सारा कुछ करती थी। हाँ। और अब जो है ना वो टुगेदर ऑनलाइन बेच रहे हैं कामयाबी से। हाँ, उस पर बेसिकली उसकी आपको वीडियो भी मिल जाएंगी। और अच्छा अच्छा, तो आप भी आगे चल के अगर आप करना चाहें तो आपके पास जरा आए हैं, बेचने में मसला नहीं? हाँ, फेसबुक पर अगर हम इसको डालेंगे ना। हाँ। तो देर आर लॉट ऑफ कस्टमर बेस इन देयर। अच्छा, स्पेशली एज एन एग्जॉटिक फ्रूट कस्टमर बेस है इसका। जैसे अच्छा। मेरे पास जो एक कस्टमर अभी इस साल आया था ना। हाँ। खाली मेरे वो घास काटने वाले के रेफरेंस से। हाँ। वो एक इंडिया पाकिस्तान इंडिया से ही था। हाँ। तो वो जूली आम यहाँ से खरीद करके ना। हाँ। तो अपनी बेटी को कैलिफोर्निया शिप करता था। अरे, तो मैंने अच्छा। उसको तकरीबन 150 pound आम बेचा है इस साल। अच्छा, आप बेच भी चुके हैं यहाँ से? हाँ, इस साल। अच्छा, वो भी उसको वो जूली बेचा है। हाँ। कैरी भी बेचा है। अच्छा। और थोड़ा वैलेंसिया प्राइड भी बेचा है, ये तीन ब्रांड। फिर उसको मैंने लास्ट पे जब खत्म हो गया तो सिर्फ हमारा अपना वो जो सीडलिंग कहते हैं ना। हाँ। तो फिर मैंने उसको थोड़े से वो भी बेचे। तो अगर 100 दरख्त फल देने लगे तो अंदाजन कितना फल निकलेगा यार यहाँ से? अच्छा खासा होगा। कुछ कह नहीं उसको सकता, लेकिन मैं समझता हूँ दैट विल बी अ गुड मॉडल फ्रूट। एक आदमी के लिए अगर इसको फुल टाइम जगह जमीन हो और मेहनत करे तो 2-4 साल में तरफ फल देने लगते हैं। हाँ, तकरीबन ये समझ रहे कि भाई आप 5 years का फोकस करें कि भाई आपको हर प्लांट के लिहाज से, उसका साइज के लिहाज से और उसकी तकरीबन 3 से 3 साल के पौधे के साइज के लिहाज से ना, 3 साल के बाद ये फल देने के लिए लगता है। तो पाकिस्तान में जो इतने बेरोजगार लोग हैं और बाप दादा की जमीनें हैं, क्या वो ट्राई कर सकते हैं ये चीजें? उस पाकिस्तान में यही चीज है। आप जैसे आप कहें ना लाहौर में लगा लें। हाँ। तो लाहौर में आम नहीं चलता। लाहौर की जो मिट्टी है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है। अब यही जो अगर आप मुल्तान में चले जाएं। अच्छा। तो या सिंध के दूसरे जो आगे इलाके हैं वहाँ पर ही आम का दरख्त बहुत होते हैं। तो ये एनवायरमेंट के लिहाज से है, आपको देखना है। एरियाज पाकिस्तान में अभी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कि लोग वहाँ पर। इसकी लाइफ कितनी है, अगर इतनी मेहनत की आपने, कितने साल तक फल देते हैं आमतौर पर?
इस मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता, बट लाइक आई टेल यू दैट हमारा वो जो जूली है ये पिछले तकरीबन 15 साल से तो दे ही रहा ऑन एंड ऑफ फल। अच्छा, इसको शुरू में जूली को हमने जैसे कहा था ना एक ही तरफ था, हमने इसकी कभी केयर नहीं की थी। अच्छा, तो अब हमने जो है ना इनको थोड़ा केयर करनी शुरू की है। इसमें एक मैं अच्छी बात जो एक चीज लाजमी मेंशन करना चाहूंगा जी, कि भाई बड़ा जो क्रेडिट इसमें जाता है ना जी, मेरी वाइफ और उनकी मदर मेरी मदर लॉ को इसलिए जाता है कि हमारे घर में जितना ये कचरा किचन से निकलता है ना, फल काटा, कोई गोश्त काटा, उसका खून निकला या ये वो सारी चीजें, तो वो उसको एज ए ना फर्टिलाइजर हमने इस्तेमाल करते रहे कि हमारे पास जैसे उसको कंपोजिट करने के लिए कंपोजिटर भी है। ओके, अच्छा, ताकि वो जब दिखाए ना कंपोजिटर। अच्छा, तो खाद खुद बनाते हैं, घर के वेस्टेज से लोग खाद खुद तैयार करते हैं ऑर्गेनिक में, एक तरह से ना वो एक फर्टिलाइजर नेचुरल बन जाती है ना, तो वही हम उसको डालते हैं और थोड़ा सा लेते हैं बाहर से फर्टिलाइजर किस्म का, लेकिन वो बहुत बहुत ही कम है। जैसे अगर नाइट्रेट की अगर कमी कमी है तो हम लोग तो ये अच्छा ये भी कंपोजिट कर रही है। अच्छा, इसमें डाल देते हैं अपना वेस्टेज डालेंगे ना। हाँ, तो ये जो है ना रेडी होगा तो इसको निकाल के तो हम जो ना। अच्छा, और इसको छोड़ देते हैं तो ये खुद ही सड़ के खाद बन जाएगी। हाँ, और क्या क्या चीजें डाल सकते हैं किचन का वेस्टेज, फूड वगैरह भी, खाना पीना भी। अच्छा, जो भी मछली की कटिंग ये वो सब, अंडे अब अंडा हम तो फेंक देते हैं ना तोड़ करके, अंडे का जो स्किन है बहुत ही इसके लिए अच्छा होता है। अच्छा, इवन द बोन्स जो है ना गोश्त की, तो हड्डियां भी अगर नीचे लगाए वो उनसे भी कैल्शियम जो है ना ऐसा सब जार वो होता रहता है और ये सारी चीजें। तो आपके पेड़ के जो ऑर्गेनिक फल होंगे उनको खाद इस तरह की चीजें मिलेंगी। पाकिस्तान में तो बस गोबर को ही खाद समझते थे, पाकिस्तान में तो ये वो नेचुरल था ना, वो भी वो भी नेचुरल जो भी कचरा बनता था उसको लगा देते थे। अच्छा, वो एक मौके पर तैयार हो जाता था उतार, तो उसके बाद जब फर्टिलाइजर उन्होंने बनानी शुरू की, जब डिमांड ज्यादा बढ़ी है तो वो एक। तो अगर पाकिस्तान में कोई लड़का ये वीडियो देखे और उसको लगे कि मुझे भी इस पे काम करना है, तो कैसे शुरू करें? जमीन देखे, रिसर्च करके। तो ये कि भाई सोयल टेस्ट होना चाहिए, देखना चाहिए कि सोयल कैसी है कि, और उसका आपको दूर तरह से नॉलेज हो सकता है। एक तो अगर कुछ एरिया में कोई ऐसे दरख्त ग्रो हुए हुए हैं या हो रहे हैं, चाहे वो किसी ने एक आध लगाया हुआ है, एक तो वो सोर्स हो सकता है। दूसरा ये कि भाई आप अपना जैसे मुल्तान के एरिया में जिन एरियाज में आम होता है तो वहाँ की सोयल पर थोड़ा सा जरा रिसर्च करके उससे कंपेयर करें। और घर जिनके बड़े हैं तो बड़े घर हैं, दो चार आम लगा सकते हैं वो भी अगर जमीन अच्छी है तो। हाँ, वो तो आप जैसे पहले जमाने में लगाते थे ना। हाँ, अभी यहाँ पर भी तो यही था, यूएस में भी घरों में लोगों ने एक एक दो दो दरख्त लगाए हुए हैं। अच्छा, तो फल होते थे नहीं होते थे, लेकिन चंद एक अब जो है, और अभी भी ट्रेंड तो यही है कि हमारे देसी जो पाकिस्तानी आते हैं उन लोगों का यही होता है कि यार कोई फ्रूट लगाना है तो क्या करेंगे, अच्छा जी आम का दरख्त ले लें। अब यहाँ से जो सबसे मुश्किल चीज़ है ना लोगों को यहाँ पर यूएस में, पाकिस्तानी लोग चाहते हैं कि हमें अनवर रटोल मिले, हमें दुसहरी मिले, हमें सिंदड़ी मिले, जो रियल पाकिस्तानी आम है वो वैसे यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। हमारा एक दोस्त है डॉक्टर जफर, तो आप वही उगाए जी, वही उगाए यहाँ पे। अब वो हमारा हमने कोशिश तो कर रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने इंटरनेट से बताते हैं कि कई बार पौधे खरीदे बट did not come to be true. किसी ने अनवर रटोल पे कह करके उनको बेचा, लेकिन वो अनवर रटोल नहीं निकला, वो कुछ और ही निकलाया। अच्छा, आप समझते हैं पाकिस्तानी आम यहाँ उग सकते हैं? पाकिस्तानी आम जो है ना इस एरिए में अभी भी इतना नहीं रिस्पॉन्स, जैसे वो एक क्रिस है उसका भी फार्म है इधर डलरे बीच में। अच्छा, तो वहाँ पर मैं उससे बात कर रहा था तो वो कह रही थी कि भाई मैंने दशहरी लगाया है लेकिन कुछ फॉर सम रीजन डजंट गिव एनी फ्रूट। दशहरी मशहूर है, ब्रांड है पाकिस्तानी आम है ना, दुसहरी और सिंधी। अच्छा, और हिंदुस्तान से भी आम आते हैं? मैंने जी हिंदुस्तान के भी मशहूर आम है, हिंदुस्तान का कैसर आम मशहूर है। अच्छा, नीलम आम है वो मशहूर है, मैंने यहाँ पर मेरे पास नीलम भी है, नीलम ने फ्रूट दिया भी हमें इस साल। अच्छा, तो पाकिस्तानी आमों का इतना नाम सुनते हैं तो यहाँ मार्केटों में अवेलेबल होता है या खाली देसी स्टोर पे होता है? नहीं, जो अवेलेबल बल्कि देसी स्टोरों पे तो कम ही होता है। देसी स्टोरों पे तो अगर बाहर से कोई मंगवाएगा तो आएगा। अच्छा, वहाँ देसी स्टोर भी यहाँ से लोकली खरीद करके बेचते हैं ज्यादा। अच्छा, तो यहाँ पहुँचते नहीं है, शायद वो इनके पास कुछ आता हो, जैसे पटेल ब्रदर्स वगैरह इंडियन जो स्टोर है ना। हाँ जी, इनके पास शायद वो कैसर आम आता हो या कोई इंडियन। अच्छा, आती हो, लेकिन वो करना पाकिस्तानी। लेकिन मार्केट है, बिकेगा पहुंचे तो। बिकेगा, मार्केट तो बहुत, हमारे जैसे जहाँ भी देसी कम्युनिटी है ना, आम बहुत बिकेगा, बल्कि फेसबुक पे बहुत जल्दी बिकता है। इसी वजह से ही है कि जो लोग पसंद करते हैं ना, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। एग्जैक्टली, जैसे ये कैसर आम जो मैंने आपको बताया जी जी, कि भाई इसका जब वो सीजन आता है उसमें अपना फेसबुक पे वो कहता है कि भी वी हैव कैसर रेडी फ्रॉम दिस एंड वी आर टेकिंग ऑर्डर। अच्छा, तो पीपल दे प्लेस द ऑर्डर, आम रास्ते में है और उसके ऑर्डर आने शुरू हो गए। हाँ, अच्छा अच्छा, तो ये है कि और देखा है नदीर भाई दूसरे पौधे कुछ, ये मैंने सुना ये पपीता यहाँ बहुत चलता है।
हाँ पपाया ये माशाल्लाह यहाँ पर बहुत होता है, हमने तो ये क्या प्रॉफिटेबल है या सस्ते हैं ये, क्या है इसका कि एक किलो या एक पाउंड कितने का होगा? ये तकरीबन आपको $2 में जो है ना, अच्छा एक पपाया मिल जाता है जो के आधा पाउंड नहीं, उसका वजन होगा कोई दो पाउंड होगा, दो तीन पाउंड होगा। अच्छा तो मतलब इतना बड़ा सा दो तीन पाउंड का आपको $3-4 मिल जाएगा। तो जैतून और एवोकाडो की तरफ क्यों नहीं ख्याल किया आपका? उस तरफ जैतून का तो हमें एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा मैंने जैसे लिखा डेट्स के दरख्त लगाए कुछ, जैसे खजूर के, अच्छा अजवा के लगाए मैंने, वो अब बढ़ने तो शुरू हुए, लेकिन ये है ना खजूर के, ये कौन सा है? नहीं ये तो पाम है। अच्छा तो वो मैंने कुछ फ्रंट पे दो लगाए थे, पीछे लगाए थे वो तो काट दिए मैंने। अच्छा क्योंकि वो जो है ना 3-4 साल होने के बावजूद कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा था। वो तो रफ एंड टफ है, हाईवे पे लगे हैं खजूर के हर तरफ का बाज जगह पर होंगे। अच्छा उसके लिहाज से अगर डेजर्ट एरिया है, ओके जमीन अगर यहाँ पर ऐसी जो हमारी इस तरफ एनवायरनमेंट है ना, हाँ तो वो नहीं। तो मेन चीज आपको देखनी है कि मेरी जमीन किस फल के लिए फिट है। अच्छा अच्छा, और उसके रिक्वायर्ड नॉलेज हो, हाँ। और सबर के साथ 3-4 साल वेट करना होगा लगा के। कितना तकरीबन फल जो है ना, तकरीबन पपाया जो ये तो हर साल का, ये तो विद इन मंथ्स यू विल हैव द फ्रूट। ये दरख्त कितना चलेगा? हाँ जी चलता है कई साल। हाँ हाँ ये दोबारा भी ये चलते रहते हैं, हाँ। लेकिन ये समझ रहे कि कम से कम और 3-4 सीजन तो ये फल दे देंगे आपको। अच्छा केले का एक ही दफा होता है ना, वन टाइम? केला का हाँ केले मेरे पास है तो लगे। अच्छा वो केले जो है ना, हाँ एक केले का दरख्त एक ही बार फल देता है। अच्छा लेकिन केले के साथ खुशी ये है कि वो उसके नेक्स्ट फॉरन जो है ना, हाँ चाहे उसके बीज से या किसी भी तरीके से नया दरख्त उगना शुरू हो जाता है। ओ, अगले सीजन के लिए। हाँ, हाँ, नेचुरल। अच्छा तो अब हमारे इधर जो है ना, ये एरिया यहाँ पर मैं आम लगाऊँ ना तो आम इतना नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर जो है ना मेरा वो ड्रेन का पानी आता है। अच्छा थोड़ा वॉशिंग मशीन का भी और भी, हाँ, और मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है यहाँ। ओके और मेरा वो वाटर सिस्टम भी इधर है, हाँ, फिल्ट्रेशन सिस्टम, उसमें से जो है ना वो सल्फर वगैरह भी ग्लो होती रहती है। अच्छा तो इस एरिया में अगर मैं मैंगो लगाऊं तो इतना मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जैसे ये दरख्त पुराना है, हाँ, तो इसमें फल नहीं दिया अभी तक। अच्छा लेकिन बनाना, हाँ, के लिए ये जगह बेस्ट है। अच्छा ये रफ एंड टफ है, कोई कहीं भी लगा दें, कोई केयर नहीं करनी पड़ती ज्यादा? नॉट नेसेसरी एवरीवेयर, बट ये तो पानी वो देख रहे हैं आप बनाना के लगे हुए बंचेस, ठीक है, तो ये बनाना दिए जा रहा है हमें फ्रूट। और ये जैसे एक दरख्त खत्म होगा तो उसके बच्चे साइड पे निकल आएंगे, वो निकल आएगा और पुराने को काट देंगे। हाँ पुराने को हम काट देंगे। केले सस्ते बहुत है। हाँ केले सस्ते भी बहुत है, इसलिए हम ये इसकी हम कुछ केयर नहीं करते एक तरह से, बल्कि ये जो मैंने लगाया था, एक तो वो आइसक्रीम बनाना था एक टाइप और एक और थी मैक्सिकन टाइप जो है ना, तो वो लगाया था तो वो बस चलते रहे। उसके हाँ। बाद फिर हमने कभी हमने फर्टिलाइजर इसको डाली, कोई केयर नहीं की, हाँ। बस लेकिन वो जैसे हमने कहा हाँ, हाँ, हाँ। तो ये चलते रहे। तो केले के भी बागात यहाँ हैं काफी फ्लोरिडा में? बागात मुझे मेरे लम्बे नहीं है, लेकिन फल यहाँ मुझे लगता है शायद किसी लोगों ने लगाया। अच्छा, बाकी कौन से एवोकाडो है? अच्छा उसने भी फल नहीं अभी तक दिया, क्योंकि एवोकाडो के साथ भी ये है, हाँ। पता चला कि दो दरख्त एक दूसरे के साथ हो ना, अच्छा ज्यादा अच्छा होता है कि भाई वो पॉलिनेशन के पर्सपेक्टिव। ये कितने पुराना है? ये इसको तकरीबन 4 साल हो गए। तो नदी साहब आपके पड़ोसी हैं, जमीन बेकार पड़ी देखें, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं करते ये लोग? अब देखता हूँ हमारा ये एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब होता है, हाँ। तो अगर हम देखेंगे हमारी जरूरत है तो फिर हम इससे यकीनन बात करने का। अच्छा अच्छा अगर हम ये लीज कर दें। अब पहले आपको शौक नहीं था तो आप भी क्रिकेट खेल रहे थे उस जगह पे बेकार, हफ्ते में एक दफा खाली क्रिकेट हो रही थी। हमने क्रिकेट खेली बहुत महंगी क्रिकेट खेली है, हमने बहुत महंगी क्रिकेट खेली है। हाँ बाकी हमारी क्रिकेट जो है काफी वो महंगी पड़ी, इसकी काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तकरीबन ये समझिए कि 20 साल से क्रिकेट के लिए वो। आप बता रहे थे कि आप स्विमिंग पूल यूज नहीं करते, तो ये काई वाई भी आप दरख्तों में डाल देते हैं इसको? हाँ हमने इसको पंप से लगाया हुआ और यही हाँ, पानी जो है ना वो भी हाँ, हाँ, और बांस का स्पेशली ये जो फंगस वगैरह है इसको हाँ, हाँ, इसको उठा करके ना नेट हाँ, के साथ हाँ, तो फंगस डायरेक्टली भी पौधों के गिर फेंकते हैं। अच्छा ये भी खाद है? हाँ क्योंकि ये जो चीजें ना, मैं देखो कि हमारे ये जो चाइनीज नेशन के बारे में लोग कहते हैं ना कि भाई एक वो मशहूर है कि यार ये लोग कॉपी करने में बड़े माहिर हैं, तो लेकिन कुछ चीजें नेचुरली भी इन लोगों को पता है, नॉलेज लोगों को है कि भाई रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करना है। और ये चीज जो ना मैंने अपनी मदर इन लॉ में देखी। अच्छा कि भाई और अपनी मेरी वाइफ है तो वो भी उसी पर्सपेक्टिव से हम जो है ना उनके जीन में शामिल है ये सब मालूमात है, हाँ। कि भाई जो भी रिसोर्सेज है उसको रीयूज करना। अच्छा अच्छा तो ये कुछ तो हम कहने की बात है ना, हम सुनते थे तो मैंने एक तरह से अपने ये ऑब्जर्व किया। और फिर दूसरी है कि फिर जो ये काम ये शुरू करते हैं ना फिर उसमें ये रिसर्च भी करते हैं, टाइम भी देते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा हमारे लोग भी करते हैं हाँ। लेकिन जो है ना कि ये आई साय में हाँ। अच्छा
खसूसन जो है ना, मैं समझता हूँ कि भाई ये इन लोगों की एक खसूसियत है, यानी जो आपके रिसोर्सेज इसको रिसाइकिल करें और उसको देखें कि कौन सी चीज कहाँ लग सकती है। जो आप काम कर रहे हैं ना उसमें डेडिकेशन बड़ी जरूरी है। सही, तो आप उसमें टाइम दें और देखें कि भाई अगर आपके पास ये दरख्त है, इसको ये बीमारी है, अगर कलर इसका चेंज आता है तो आप उसको कौन सी फर्टिलाइजर इसमें कम है, अच्छा क्या चीज आपको देनी है, इसमें जो है ना वो अपना पोटेशियम कम है या कैल्शियम कम है या कुछ नाइट्रेट इसको ज्यादा मिल रही है, कम मिल रही है जी, तो इन सब चीजों को भी जो ना आपको तो एक्चुअली शौक होना चाहिए ना, आदमी को शौक होगा तो वो उस तरफ देखेगा। जबरदस्त, ये नीचे जो सीडलिंग थे, ये जितने पौधे आप देख रहे हैं ना, ये अगर आप बाहर से सीडलिंग का खरीदेंगे ना तो आपको $12 का एक पौधा मिलता है। लेकिन वो हम लोग क्या करते हैं, घर में ही वो सीड से जो है ना लगा लेते हैं, तो अब उसके आगे फिर हम ग्राफ्ट कर देंगे। अब ग्राफ्टिंग में अगर ये 50% भी सक्सेस रेट हो तो स्टिल इज गुड। लेकिन आप समझते हैं कि जो दुनिया में चेंज आ रहा है, खुराक महंगी हो रही है, तो पढ़े लिखे लोगों को लाइव स्टॉक और गार्डनिंग में इसमें आना चाहिए? वो आना चाहिए हमेशा, क्योंकि एजुकेशन जो है तो किसी भी एरिया में हो, जिस फील्ड में आप हो, तो वो आपको बेनिफिट करती है। क्योंकि एक चीज अगर आप लाइलम रह के कर रहे हैं और आप इन्फॉर्म्ड होकर के कर रहे हैं, इट्स मच बेटर। अगर आपको वो पता है कि भाई आपको एक अपनी तरफ ही देख लें हम लोग, अगर हमें अपने आपको एक बीमारी महसूस हो रही है, अगर हमें आपको पता हो कि ये बीमारी क्या है, तो उसका कोई ना कोई मेरी मदर इन लॉ है। थैंक यू। ये आम आपके अपने रखिए, नहीं आपने तो नहीं है, लेकिन अच्छा अच्छा चले भाई, आम की बातें हो रही है और आम खाने की। ये कौन सा आम है नजीर भाई? वो नजीर भाई, ये कौन सा आम है? ये मुझे लग रहा है कि हनी केस है, ये आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा, मैं भी खाता हूँ तो आपको कंफर्म करता हूँ। अच्छा, जो बहुत मीठे हैं ये। नदी साहब बता रहे हैं कि लोकल आम है यहाँ का, नाम इसका कैरी है। नहीं, ये वाला कैरी नहीं है, ये कैरी नहीं है, ये जो है ना मैं आपको बताता हूँ। और इसका इसका क्या, इसकी एक किलो $8-10 का होगा? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आम नहीं है जो अच्छे आमों में से, ये एक कैंट आम है जो स्टोरों में बिकता है, जैसे ये वालमार्ट बेचता है। ये मेक्सिको है, लोकल है, यही बना हुआ है, ये मेक्सिको का ग्रोन होगा या साउथ अमेरिका का, लेकिन ये बिकता है, ये लोग खरीदते हैं। स्टोर्स में बिकता है क्योंकि बताया ना कि अमेरिकन लोगों को इतना ज्यादा जो है ना वो जो टेस्ट जो इंडियन पाकिस्तानी है ना, उनको जो पता है ना फ्लेवर का या टेस्ट का, तो वो अमेरिकन को वो इतना नहीं अंदाजा, स्वाय वो लोग जो के But they just know mango और उठा ले खा, कोई भी mango, हाँ। और उनको जैसे ही इसको वो देखेंगे ना कि भाई हाँ आपने देखा ना ये काटा है, हाँ। तो ये खूबसूरत लग रहा है, हाँ। लेकिन इसमें वो स्वीटनेस नहीं है जो कि हमारे अपने पाकिस्तानी आम में होती है, हाँ। फ्लेवर भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये कि जस्ट फाइन, क्योंकि यहाँ पर ये फ्लेवर बाज लोग फ्लेवर मैंगो भी पसंद ऐसा करते हैं कि अब लेमन मरे एक नाम से एक आम है, उसमें आप खाएंगे ना तो आपको लेमन का फ्लेवर नजर आएगा स्ट्रांगली और थोड़ा सा स्वीट भी होगा, लेकिन तो वो लज्जत जिसे हम लोग अभी आशना नहीं है, हम तो रिवायती आम मीठा खाते हैं, हम सिर्फ रिवायती हम खरीदते हैं तो जाके शिकायत करते हैं कि मीठा नहीं था, मीठा नहीं है। हाँ, बस यहाँ पर जो है, हाँ। वैरायटी है और पीपल लाइक दैट वैरायटी और उनका टेस्ट डेवलप हो गया, हाँ। मक़बूल आम आपने वो काम देखा था ना, पीच समथिंग, अब उसमें पीच का फ्लेवर है, ओ इसीलिए पीच इसके नाम में है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ। आप हमारे लोगों के लिए कोई काम की बात बताएं, जैसे हम तो बचपन से सुन रहे हैं पाकिस्तान जरई मुल्क है, एग्रीकल्चर मुल्क है, ऐसी फिर, लेकिन ज़राअत में क्या है हमारा, कैसे आगे जा सकते हैं? देखिए, मेरा चूंकि ज़राअत का बैकग्राउंड नहीं है तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो ये मैं समझूंगा कि भाई वेरी अनफेयर, लेकिन अगर मैं एज एन फिर भी जस्ट लेमैन के तौर पे, हाँ, आउटसाइडर मैं देखता हूं तो मैं समझता हूं कि भाई जो हमारे इंटीरियर पंजाब के जो सिटीज है ना, उसमें एग्रीकल्चर बहुत है और बहुत सारे ऐसे इजला हैं, जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि जिनको कैश काउ कहा जाता है, कि वहाँ पर बहुत सारी प्रोड्यूस होती है अपने गंदम से लेकर के चावल तक और बहुत सारी, और वो कैश पे बिकती है और कैश पे ही जो ना उसका रेवेन्यू जो आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका मुल्क को फ़ायदा जो है ना एज अ कंट्री जो गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं होता, वो इसीलिए कि क्या होता है कि वो जो कैश रेवेन्यू जो है ना सारा तो वो मुख्तलिफ जेबों में एज अ ब्लैक मनी चला जाता है। इंडिविजुअल ठीक है, उससे लोकल पॉपुलेशन जो काम वहाँ करती होगी उनको भी फायदा होता है, जो ओनर है उसको फायदा हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो फायदा होना चाहिए ना, गवर्नमेंट को उसका टैक्स जाना चाहिए। जो है ना ये हनी केस है, अच्छा ठीक है, ये भी लोकल है इसमें, हाँ ये लोकल यहाँ पर थोड़ा छोटा है साइज में, देखिए इसमें थोड़ा बड़े साइज भी है, लेकिन ये पीस छोटा ही था अच्छा हमारे पास क्योंकि सीजन खत्म हो रहा था। अच्छा, इसको आप जरा टेस्ट कीजिएगा। नजीर भाई ने ये जो आम खिलाया ना, इसके जायके में थोड़ी सी शहद की मिठास थी, और नाम भी बता रहे हैं आपके हनी किस, तो जो भी आम है वो उसके जायके के लिहाज से रखा जाता है, अगर पीच है तो पीच का जायका, और नॉट नेसेसरी, जैसे कि अब मैंने आपको एक आम और हमने
दोस्तों को मैंने टेस्ट करवाया मस्जिद में, हम लोग बैठते हैं एक दिन, हनी वो उसका नाम था कैरन मिशेल, उन्होंने कैरन मिशेल खाया, उन्होंने अपना जूली और ये अपना वेलेंसिया और मुख्तलिफ किस्म के उनको चार पांच मतलब मुख्तलिफ। तो नज़ीर भाई उधर आते हैं, आप कहते हैं कि एक तो कैश नहीं रेगुलराइज होना चाहिए। हाँ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो बात जैसे लेट्स गो बैक टू दैट। तो मैं समझता हूँ कि जो कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का प्रॉपर जो है ना कंट्रोल ट्रूली होना चाहिए कि जो फसल प्रोड्यूस होती है उस पर जो टैक्स है गवर्नमेंट को जाना चाहिए। अगर वो कैश बिजनेस भी है तो भी सम हाउ नीड्स बी रेगुलेट, क्योंकि वहां पर दैट्स अ ग्रे एरिया वेयर आई वांट इफ आई कमेंट दैट कि भाई क्यों कैश का इतना बिजनेस है। छोड़ छोड़ ये, लेकिन आप देखें कि इदराक है हमारे बड़ों को कि जमीन और खेती बाड़ी होनी चाहिए। जब भी आप देखें महकमे ज़राअत ने भी जमीनें ले करके और कहा है कि हम इंकलाब लाएंगे, इसका मतलब इसमें है क्योंकि दे आल्सो एंटीसिपेटिंग दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई फूड का क्राइसिस जो है ना दोबारा से ज्यादा बढ़े। जैसे कुछ रिसेंटली उन्होंने जब वीट पता चला एक्सपोर्ट कर दी उठा कर सारी पहले दूसरे कंट्री में, ठीक है तो मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन ये कि उन्होंने एक्सपोर्ट कर दी। हाँ। अब बाद में पता चला कि हमारे पास वीट नहीं है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहीं और से। अब ये जो पॉलिसीज आती है ना कि भाई इस वजह से कि प्रॉपरली चीजें रेगुलेटेड नहीं है, कंट्रोल्स नहीं है, तो अब वो आप किस तरह अगर आप ये अपनी आपके पास एस्टिमेशन प्रोजेक्शन सारी सही हो और उसको आप उसी लिहाज से कंट्रोल इम्प्लीमेंट करें तो हाउ कुड यू अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ योर ओन वीट। तो नज़ीर भाई ये तो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्री है लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ महंगाई इस शिद्दत से नहीं बढ़ी। दूध अगर दो तीन डॉलर का था तो चार पाँच डॉलर का है, गोश्त भी थोड़ा बहुत महंगा, इनकी चीजें कहाँ से आती हैं? नहीं महंगाई तो यहाँ पर इन्फ्लेशन भी बहुत हुई है। अच्छा इवन अप टू जैसे हमारा जो फ्लोरिडा है इसमें यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। ओके तकरीबन क्लोज टू 30%। ये चीजें बाहर से आती हैं कि मुकामी हैं खाने पीने की? ज्यादातर तो प्रोडक्ट्स बाहर से आती हैं, मुकामी तो वही थे ना चीजें जैसे यहाँ का वो ऑरेंजेस हैं या और कुछ चंद एक फल हैं। अच्छा। लेकिन ज्यादातर तो बाहर से ही आती हैं, तो जो अपना मैक्सिको से आता है जो प्रोड्यूस है वो मैक्सिको से आती है, लैटिन अमेरिका से आती है। आप क्या फर्क देखते हैं कोविड से पहले और कोविड से बाद का अमरीका कितना मुख्तलिफ है? जो इन्फ्लेशन के लिहाज से अगर मैं एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है। अच्छा। लेकिन उसमें भी कई फैक्टर्स हैं कि भाई जो बहुत सारी चीजें जो है ना जो चाइना से आती थी, चाइना एक तरह से दुनिया का वेयरहाउस कहलाता था, जाहिर है ठीक है, तो उसकी वजह से जो लॉजिस्टिक्स बढ़ी है ना कोविड की वजह से कि रिसोर्सेज नहीं थे, उन्होंने फैक्ट्रीज बंद कर दी, प्रोड्यूस भी शुरू में कम हुई, प्रोडक्ट भी कम हुई, फैक्ट्रीज बंद हुई, साथ ही साथ जो है ना लॉजिस्टिक्स पे इम्पैक्ट हुई। घर इतने महंगे क्यों हो गए? घर का भी यही हुआ कि वहां से जो लॉजिस्टिक्स की वजह से जो प्रोडक्ट्स आनी बंद हुई, फैक्ट्रीज बंद हुई। अच्छा तो उसकी वजह से जो बनने में देर लग रही है, कुछ वहां से स्लो प्रोडक्ट से आने में स्लो हुई और लोगों ने जो उसका जो बिजनेसेस थे ना उन्होंने उसका फायदा उठाया, उन्होंने उसको महंगा कर दिया। तो मैं समझता हूँ इसमें आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन भी थी कि जो गाड़ियां बहुत महंगी हाँ उन्होंने कर दी, लोगों ने खुद कर दी, लेकिन फैक्टर उसमें बड़ा यही था कि लेबर मार्केट इफेक्ट हुई थी, नो डाउट अबाउट इट। आप फ्लोरिडा में हैं इतने अरसे से और आप कहते हैं मुझे फ्लोरिडा पसंद है और इससे अच्छी जगह क्या होगी, आम पाकिस्तानी जो यहाँ खुश है फ्लोरिडा को क्यों पसंद करते हैं आप लोग? एनवायरमेंट जो है ना यहाँ पर फ्लोरिडा की कराची से बहुत करीब है। अच्छा तो इस वजह से जो है ना हम देखेंगे यहाँ पर आपको जो है ना हमारे यार इतना पसीना आता है, आप भी मैं भी बार बार भीग रहे हैं, कितनी दफा नहाते हैं आप? लेकिन इसके बावजूद अच्छा जो एक्चुअल नॉर्मल पर्सन की जो लाइफ है यहाँ पर वो तो एयर कंडीशन है ना ज्यादा, वो घर के अंदर एयर कंडीशनर है, घर से निकले गाड़ी में बैठे एयर कंडीशन है, ऑफिस में पहुंचे एयर कंडीशन ऑफिस है। अब नॉट एवरी बॉडी वर्क्स आउट इन द यार्ड। ओके अब बहुत सारे जो लोग जो है ना मेजोरिटी जो आपको 90% मैं समझता हूँ कि लोग ऐसे ही हैं कि वो उनको उन्होंने ग्रास कटिंग के लिए भी गाया। हाँ, तो बंदा आता है जी, वो जी। ग्रास कट के जाएगा और उन्होंने उसी को बोल देंगे कि वो हमारे ये दो चार फूट के अगर दरख्त है ना तो इनको भी जरा देख लेना, अफेक्टेड नहीं होते तो वो कम ही बाहर निकलते हैं, 10% होंगे जो बाहर काम करते हैं। यहाँ पाकिस्तानियों की तादाद कितनी है, क्या एक्टिविटीज है आप लोगों की, मिलना जुलना है? मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, पाकिस्तानी हजारों में होंगे। मैं समझता हूँ कि क्या जो हमारा ये विद इन साउथ फ्लोरिडा का एरिया है ना, इसमें कोई
कोई 30,000 लोग तो होने ही चाहिए, 30,000 तो 30,000 पीपल होने चाहिए, बस पाम बीच मिला के मैम ही मिला के, हाँ इतने तो होने चाहिए प्लस माइनस, लेकिन ये मेरा नंबर जो ना, और मसाजिद भी 50-60 तो होगी जी, 50-60 के करीब मसाजिद होगी तकरीबन, इससे ज्यादा है, ज्यादा है, हाँ मसाजिद इससे ज्यादा है, और मसल्ले मसाजिद मिला करके 50-60 से ज्यादा है। हमारी जो ट्राई काउंटी एरिया है ना अपना, आपकी वेस्ट से शुरू हो जाए, की वेस्ट, मायामी, ब्रावर्ड, पाम बीच जो ना, तो हाँ इससे ज्यादा। अब हमारे जो बच्चे हैं यहाँ जो ग्रोन अप हो रहे हैं, वो तो इसी को अपना वतन समझते हैं, यकसुई के साथ, है ना, पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, आगे हम लोगों का क्या मुस्तकबिल है मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का यहाँ पे? मैं समझता हूँ पॉपुलेशन हमारी इंशाल्लाह बढ़ती ही रहेगी, लेकिन जो हमारे चैलेंजेस है ना, हमारे साथ एक बड़ा चैलेंज अभी भी वही है कि मसाजिद में वही एक स्मॉल परसेंटेज ही आती है, कि जैसे हम कहते हैं ना कि वो हाई लेवल पे जो 5% लोग आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अभी यहाँ भी ये उससे कम ही लोग दीन से जुड़ना चाहिए, करीब आना चाहिए मस्जिदों में, ये जो गैप है ना अभी भी है। अच्छा, तो और यही कंसर्न है कि हम लोग पाकिस्तानी बहुत मुसलमान जो है ना बहुत खुश होते हैं कि भाई ठीक है, दैट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड आल्सो, खुशी का मौका है कि जब कोई दूसरा इस्लाम कबूल करे, इस्लाम में आए, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे फिगर्स है ना, कि जो लोग इस्लाम छोड़ते हैं, इस्लाम से दूर हो जाते हैं, कि भाई तो वो भी एक मुसलमानों को चाहिए कि इस मुल्क ने इतना दिया उनको, तो वो यहाँ दीन को फैलाने के लिए भी एक्टिव वक्त लगाए, काम करें। बिल्कुल, इसमें अपना हमारा अपना फायदा है, हाँ। तो उस तरफ टाइम देना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि भी हमारे बच्चे जो है ना, अगर इसको फॉलो करते रहे ना हमारी जनरेशन, तो यही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर हम स्टैट्स देखते हैं ना, जैसे आपने कई बार सुना होगा कोलंबिया एक वन ऑफ द कंट्री का, यहाँ का कोलंबिया में बहुत अरब आए, लेकिन अगर आप जाकर के कोलंबिया में देखें, तो मैं एक बार वहाँ जा चुका हूँ, और एक छोटा सा जो है ना घर में मसल्ला सा मस्जिद सी होती है, जैसे अपने फ्लैगलर की मस्जिद थी ना छोटी, जी जी जी, उसको तो फिर भी हमने डेडिकेटेड मस्जिद कर दिया होता ना, उससे छोटे मैंने भी रूम मैंने देखा कि जिसमें लोग नमाज पढ़ते थे, और ये मैंने उसके बगोता उनका जो कोलंबिया का दारुल हुकूमत था ना उनका कैपिटल सिटी, उसमें एक मस्जिद ऐसी देखी, फिर एक बड़ी भी मस्जिद थी, वो कह रहे थे नहीं बन रही थी, लेकिन मुझे मैं वहां तक नहीं पहुंच सका टाइम, यानी मुसलमान ज्यादा आए लेकिन दिन से जुड़े नहीं रहे, तो जुड़े नहीं रहे, और वो बहुत सारे उनमें वो वेंट टू द क्रिश्चियनिटी। अच्छा, क्योंकि जो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी ना इस दिन के लिए, वो उस तरफ लोगों ने तवज्जो नहीं दी। सही, तो ये एक बड़ा जो है ना कंसर्न हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, मस्जिद बनाते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, हाँ। और उसमें कोशिश करते हैं कि अभी एंगेज रहे, तबलीग के लोग जो है ना ये भी जाते आते हैं, इनकरेज करते हैं, अंदर हाँ। चलते हैं, बारिश हो रही है, नहीं थोड़ी बारिश तो रुक लें, मजे ले लें, देखिए फ्लोरिडा का मौसम है, यहाँ पे धूप भी बहुत, और आज सुबह से तीसरी बारिश मैं देख रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए बारिश होती है, फिर सख्त धूप आती है, मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, तो मैं बहुत महसूस होता हूँ यहाँ की ड्राइविंग से, घूमने फिरने से। आप एक पैगाम दीजिए हमारे बच्चों को जो बेचारे अमेरिका कनाडा नहीं जा सकते, वहाँ परेशान है, निकलना चाहते हैं, वो वहाँ रहते हुए क्या काम करें, आपके आम के बैकग्राउंड को इस्तेमाल करते हुए क्या ट्राई करें? देखिए मैं, आपने तो आम का बैकग्राउंड कहा, लेकिन मैं पहले स्टेप बैक टू दी आईटी बैकग्राउंड। ओके, कि मेरा तो मशवरा ये है कि आईटी का एरिया जो है ना इसमें अभी भी बहुत जो है ना स्कोप है, और हमें इसमें मज़ीद जो है ना अपने लोगों को मार्केट करना चाहिए, चाहे वो आउटसोर्सिंग जो यूएस या यूरोप से होती है, हाँ। या इवन मिडल ईस्ट से होती है जी। तो उस मार्केट को भी ग्रैब करके, तो अपने जो रिसोर्सेज है ना अपने मुल्क में लोगों को उनको एंगेज करें, हमारे जो बच्चे हैं उनको चाहिए कि आईटी में जो है ना आईटी में फोकस करें ज्यादा से ज्यादा। ये भी बता दूं कि नज़ीर साहब जो हैं वो हमारे आईटी के हैं, और नज़ीर साहब आईटी कंपनी में मेरे बॉस थे, और ओरेकल के एक्सपर्ट हैं, और अभी भी टेक्निकल काम करते हैं, असल इनका एरिया आईटी है और अभी भी आईटी में हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने शौक की वजह से कर रहे हैं। नज़ीर साहब आप आईटी में कैसे हैं, थोड़ा सा उस बारे में बात कर लें, शायद किसी को हौसला अफजाई। मैं जब यूएस में आया उस वक्त तो स्टूडेंट वीजा पर था जी, तो साइड में पार्ट टाइम जॉब के लिए पहले तो एक स्टोर पे थोड़ा सा काम किया, तो उस स्टोर पे किसी ने जिक्र किया कि मैंने कभी, मैं चूंकि मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है पाकिस्तान से, तो मैं कुछ कोशिश है कि इसी एरिया में मुझे कोई जॉब पार्ट टाइम भी मिले तो वही बेहतर है। तो उन्होंने एक इंजीनियर तस्लीमुद्दीन साहब थे कराची से, माशाल्लाह उनका तल्लक था, उनका जिक्र किया, तो और उससे पहले मैंने खुद भी फोन बुक से देख करके ना कुछ पाक मुसलमान इंजीनियर्स के नाम निकाले। अच्छा, तो मैंने उनके एड्रेस के बेस पर ना उनको सिर्फ रिज्यूमे भी भेजा, और मैं चंद देख के ऑफिस में खुद ही चला भी गया वॉक इन करके। अच्छा, तो मैंने उनसे जॉब के बारे में बात की, तो लेकिन वो जो
उन्होंने कहा कि भी देखें रिस्पांस करेंगे। तजनीमुद्दीन साहब थे इत्तफाक से, मैंने जब उनको कांटेक्ट किया ना तो उन्होंने कहा मुझे ऑटो कैड के लिए इंजीनियरिंग के एक काम के लिए अच्छा तो आप टेस्ट दें। उन्होंने जनाब अली हमारा एक दिन पूरा टेस्ट लिया और शाम को वो खुद तो वो कहीं चले गए। आप ये काम सीख कर आए थे पाकिस्तान से ऑटोकैड का? ऑटोकैड किया हुआ था पहले मैंने, अच्छा। कंसल्टिंग का बैकग्राउंड था मेरा। ठीक है, हाँ। तो शाम को जनाब अली उनकी वाइफ आई, उन्होंने कहा अभी क्या हुआ आपके टेस्ट, आप हायर हो गए? मैंने कहा जी अभी तो टेस्ट चल रहा है सुबह से। अच्छा। तो एनीवे तजनीमुद्दीन साहब ने हमें हायर कर लिया। उस वक्त जनाब $5 अगर आप स्टोर पे काम कर रहे हैं ना तो आपको वहाँ $5 आवर पे मिल जाता था कैश, और हमें भी $5 आवर पे इंजीनियरिंग की जॉब मिल गई। अच्छा। तो लेकिन माशाल्लाह, लेकिन आपने कहा फील्ड की जॉब पकड़ लूं, लेकिन हाँ, वो नहीं इंजीनियरिंग के ऑफिस के अंदर हाँ, के ऑटोकैड डिजाइन की जॉब, ड्राइंग्स वगैरह का, जैसे सिविल स्ट्रक्चर का डिजाइन का काम जो होते हैं ना जी, तो जी, वो उनके साथ जो है ना मैंने अच्छा, तस्नीम भाई के साथ शुरू कर दिया। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे बंदे थे, उन्होंने अपना हर एरिया में काम किया। वो मायामी एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट्स लेते थे, स्कूल बोर्ड के प्रोजेक्ट्स लेते थे। जी जी, उनकी काफी अच्छी शोहरत है, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, मसाजिद वगैरह में आगे आगे थे। उन्होंने बनाने में काफी काम किया जी, तो उनके साथ जुड़े रहे। उन्होंने यही नहीं कि मैं उनके साथ बिल्कुल जुड़ा भी रहा, उन्होंने फौरन मेरा जो है ना 6 महीने के बाद जो है ना ग्रीन कार्ड भी स्पॉन्सर कर दिया। मैं तो स्टूडेंट वीजा पर था, ओके, तो मेरा ग्रीन कार्ड भी हुआ। मैंने उनके साथ तकरीबन 7 साल पर काम किया। तो उसके बाद इस 7 साल में क्या हुआ कि कभी उनके ऑफिस में कंप्यूटर्स वगैरह होते थे, नोवल का नेटवर्क था, कभी कोई प्रॉब्लम होनी ना तो उन्होंने मुझे कहना कि देखना इसको, तो हमने जाकर के उसको देखना, चेक करने की कोशिश करनी। कुछ थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर से बैकग्राउंड एक्सपोजर था इससे पहले, पाकिस्तान में आईसीआई में मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 साल आईसीआई में, okay. तो वहाँ पर okay. तो लोटस वगैरह भी मैंने वहाँ किया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने उस कंप्यूटर को देखना, कुछ ना कुछ करना, कंप्यूटर चल पड़ना, सही, किसी को बुलाना नहीं पड़ा। फिर मैंने कुछ इंटरेस्ट यहाँ से मैंने ली, तो मैंने कुछ पहले A1 का कोर्स किया, जो कि आप बेसिक अगर टेक्नीशियन बनना चाहते हैं ना कंप्यूटर के, तो मैंने वो कोर्स A+ वो कोर्स पीसी टेक्नीशियन का, हाँ। और साथ ही मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ होलसेल मार्केट थी मायामी में, जहाँ कंप्यूटर पार्ट्स भी बेचते थे, कंप्यूटर भी बेचते। अच्छा। तो मैंने अपने ये पहला कंप्यूटर अपना पेंटियम खुद ही बनाया। अच्छा। और साथ ही मैंने जो है ना वो लोकल मस्जिद में फ्लायर दिए और बेचने भी शुरू कर दिए। वाह। और लेकिन उसमें इरशाद का मैं जिक्र करूंगा, इरशाद साहब माशाल्लाह इन्होंने मुझे इनकरेज किया कि भाई आप जो है ना आईटी के प्रोग्रामिंग वगैरह के एरिया में क्यों नहीं जाते, यहाँ लोग बहुत लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो किस सन की बात है ये? 1997 की बात है। हाँ, आईटी में बूम था, Y2K आने वाला था, हर जगह इंडिया से बहुत लोग आते थे, है ना। तो हाँ, 1997 में हमने जो है ना एक कोर्सेज किया इसका ओरकल के एरिया में जी, तो उसमें कुछ हमारे बैच में जितने लोग थे उनमें से सबने कोर्स किया, किसी को भी जॉब तो नहीं मिली थी। मैंने अपने तौर पर DBA का ट्रैक जो है ना उसको मैंने चूज़ किया और सेल्फ स्टडी से करके मैंने जो है ना जब रिज्यूमे वगैरह भेजे तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आई वॉज द फर्स्ट वन फ्रॉम दैट बैच IT में जाने वाला, वहाँ से मैंने छोड़ के वहाँ चले गए। हाँ। कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के मैंने ओरकल की जॉब चूज कर ली। ठीक है। सैलरी कम थी लेकिन फिर वो ओरकल एक रिज्यूमे पर नाम आ जाता है ना एक बड़ी कंपनी का, जी जी, तो फिर वाकई उसमें मुझे सीखने का मौका मिला ओरकल में काम करते हुए, मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, टेक्निकल लोगों से अंदर कंपनी में इंटरेक्ट करना, तो वो जो मेरा एक्सपोजर एक्सपीरियंस था ना। पर उससे मैं जब इस कंपनी में गया लोग मैंने छोड़ दी थी ओरकल, क्योंकि मैं बाद में ट्रैवल नहीं कर पा रहा था, वाइफ यहाँ आ रही थी, तो फिर मैंने जनाब ली उसके लोकल कंपनी में मैं जॉब ली। वहाँ पर मुझे पहले तो शुरू में मैं वही DBA के काम के तौर पर था और सीनियर DBA और ये, लेकिन वहाँ मैं विद इन अ मंथ आई वाज लाइक ए लीड, तो 7-8 लोग मुझे रिपोर्ट कर रहे थे। फिर वो एक कंपनी में चेंजेस हुई तो कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के जो डायरेक्टर था वो प्रमोट हुआ, तो मैं भी एज ए डायरेक्टर प्रमोट हुआ। माशाल्लाह, जी जी। तो ये मेरा फिर IT मैनेजमेंट में जो है ना। डायरेक्टर से आखिरी पोजीशन कहाँ तक गया आप उस कंपनी में? आखिरी पर मैं वाइस प्रेसिडेंट तक गया हूँ। हाँ। तो उसके बाद जो है ना तकरीबन काफी लंबी जॉब की आपने, ऑलमोस्ट 18 ईयर आई वाज देयर। फिर जब वो कंपनी उसको बेचने के डायरेक्शन में जा रही थी तो उन्होंने इसकी जो है ना रीऑर्ग किया, तो उस वक्त उन्होंने फिर जो है ना कुछ लोगों को ले ऑफ किया था, जिसमें कुछ और भी IT के लोग। 18 साल तवील अरसा है किसी कंपनी में, और अभी भी आप IT में काम कर रहे हैं? हाँ, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मैंने कंसल्टिंग इंडिपेंडेंट दोबारा शुरू कर दी, क्योंकि मैंने हमेशा टेक्निकल अपना हैंड्स ऑन रखा एक्सपीरियंस। तो आप लड़कों को कह रहे हैं कि IT ही गेम चेंजर है? I would still at this point in time still they should focus IT. अच्छा। तो और काम मिल जाएगा वो रिमोटली कर सकते हैं और यूरोप अमेरिका को सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, अब जो लोग गांव के हमारे बैकग्राउंड से आते हैं ना, अर्बन सिटीज में तो इतने बड़े इतनी लैंड भी नहीं है। हाँ। ठीक है,
तो अगर उनकी ऐसी लैंड है, ऐसा एटमॉस्फेयर है कि भाई जहाँ पर आप फार्म शुरू कर सकते हैं ना, तो सडनली यू शुड डू कि भाई इवन चाहे ग्रो ऑन योर ओन वेजिटेबल, ये लाइव स्टॉक करें, जानवर पालें, कुछ भी करें, बट यू शुड टेक दैट एज एन अ साइड बिजनेस टू बिगिन विद. ओके, डोंट टेक इट नेसेसरी दैट भाई सब कुछ छोड़ के वो कर दें और उसकी ट्रेनिंग लेके सीख के करें. करें उसको ट्रेनिंग लें बिल्कुल, और उसको पढ़ें, देखें, रिसर्च करें कि भाई किस एरिया में जो आपको क्या चाहिए. ये अगर आप एक चीज ग्रो कर रहे हैं तो फोकस करें कि इनको आपको जो ना किस किस्म की इसको एनवायरनमेंट चाहिए, सोयल चाहिए, हमारी एनवायरनमेंट कैसी है, और इनको अगर कोई फर्टिलाइजर चाहिए, किस चीज की कमी है, उन चीजों को नोट करें. तो अब तो इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद डोंट टेक एवरीथिंग गूगल फॉर ग्रांटेड. कि देखें आपकी एनवायरनमेंट के लिहाज से क्या जो ना सही है, तो ये उसको इस लिहाज से देखें. तो लेकिन जो लोग हमारे एग्रीकल्चर एरिया से आते हैं, इनर से अपना देहात से आते हैं जहाँ जमीन भी है, रिसोर्सेज भी हैं, तो वहां पर यकीनन उनको करना चाहिए. हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर खशनूर, मेरे गांव के हैं. अच्छा, ये डैलस टेक्सास में रहते हैं. ओके, उन्होंने यहाँ से जो ना भैंसे भेजी हैं, दूध देने वाली गायें भेजी हैं. हमारे लाहौर में हमारा गांव है तलवाड़ा. अच्छा, लाहौर में. अच्छा, और वहाँ उन्होंने कुछ एकड़ जमीन लेकर के ना तो कुछ खरीदी, कुछ उनके पास थोड़ी सी थी, तो उन्होंने वहाँ दूध का डेयरी फार्म बनाया है माशाल्लाह. और वो उस पे दूध को जो ना फार्म कर रहे हैं, अपना मार्केट कर रहे हैं, सेल करते हैं. और लेकिन अभी उनका जो अभी तो वैसे सेल कर रहे हैं, लेकिन उनका प्लान है कि उनको उसको बॉक्स करके सेल करने का. अच्छा, और वो यहाँ से जो एक गाय बेचते हैं ना, उनको तकरीबन $5,000 में पड़ती है वहाँ पर पहुंच कर. जी, ठीक है जी. तो कुछ 5 से 7 तक भी चली जाती है जी. लेकिन वो उनका जो दूध देने की जो उनकी प्रोडक्शन है ना जी, वो हमारी वहाँ की गाय, पाकिस्तान की गाय से जो ना 10-20 गुना तक भी ज्यादा है. ओहो, अच्छा. तो इन चीजों को एक्सप्लोर करें, इन चीजों की तरफ जाएं. तो एक ये एरिया भी है. हाँ, क्या भाई आप किसी के साथ, मैंने सुना है टेक्सास से एडवेंचर कर सकते हैं, कुर्बानी के जानवर जाते हैं, वो बड़ी गोश बहुत होता है उसमें, इस तरह से. ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं. क्योंकि अगर जो जानवर दूध देना बंद कर देगा या नहीं दे प्रोड्यूस कर रही तो उसका गोश्त, तो वो उसके लिए गोश्त के लिए भी उसको इस्तेमाल कर. बिल्कुल ठीक है. इसमें तो लोग शर्माते हैं कि हम अगर शुरू कर देंगे तो हमारे दोस्त कहेंगे कि माली बन गया तू क्या कर रहा, तंग करेंगे. आपको ख्याल नहीं आया कि लोग क्या कहेंगे कि ये आम के चक्करों में क्यों आ गए आप? नहीं, मुझे तो बल्कि यार्ड में काम करना अच्छा लगा. अच्छा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो गाँव से ही था. क्योंकि इवन दो कि हम लाहौर शहर में रहे, लेकिन लाहौर शहर के सबर्ब्स में हमारा गाँव है. अच्छा, तो मुझे वो एनवायरनमेंट हमेशा अच्छी नहीं लगती थी. अच्छा, बल्कि मेरे इसी जगह पे हमेशा रहने की वजह ही रही है जब से ये घर खरीदा है. हाँ, कि मुझे ये एनवायरनमेंट अच्छी थी, तो इतने ज्यादा वो कंट्रोल्स नहीं है, वो अच्छा क्योंकि देहात से आपका बैकग्राउंड है, तो आपको देहाती टच मिला यहाँ पे. मुझे यहाँ अच्छा लगा, खुला खुला और बड़ी बड़ी जमीन है. तो उसका असल इस्तेमाल तो हमने अब किया है. पहले तो आप क्रिकेट सिखाते रहे, फिर जहाँ तक बाहर काम करना यार्ड में, तो मुझे हमेशा काम करके अच्छा लगा, फिजिकल काम अच्छा लगता है आपको. हाँ, बिल्कुल सही, जबरदस्त. भाई मैंने अपने दादा को देखा है लिटरली खेतों में काम करके ना आकर के ना खेत में काम करते हुए थोड़ा ब्रेक लिया और सिर्फ प्याज एक लिया, उसको हाथ से तोड़ा और उसके साथ सूखी रोटी खा ली और वो उनका लंच था. आई फील प्राउड ऑफ इट. कह सकते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के घर से. वालद ने तो खेती बाड़ी नहीं की. अच्छा, लेकिन ताया ने की. अच्छा, दादा ने की. अच्छा, तो मुझे वो ना उस लिहाज से मुझे अच्छा लगता है. अच्छा लगता है, हम एटलीस्ट बैक इनटू सम बेसिक्स. आपकी तरफ सांप वगैरह आते हैं, जानवर आते हैं, सन्नाटे में आप रहते हैं, डरते नहीं है? मैं तो रात को गुजरा तो डर गया. बिल्कुल है. हाँ, कई बार कुछ जहरीले सांप भी मारे हैं, जो गार्डन स्नेक्स हैं वो भी आते हैं. अच्छा, और बाज तो इतनी तेजी से निकल जाते हैं कि अगर आपने पकड़ा भी है कुछ चीज उनको मारने के लिए ना, तो भी वेरी शार्प. लेकिन गार्डन स्नेक्स जो है यहाँ पर कॉमन है फ्लोरिडा में. अच्छा, इसके बावजूद कुछ जो है ना पॉइजनस स्नेक्स भी हैं बड़े, तो उनसे भी कॉशियस रहना पड़ता है. लेकिन यही है कि ठीक है, जब हम काम कर रहे हैं जी, तो फिर एहतियात की जरूरत है. बाकी इंशाल्लाह. और नजीर साहब, तूफान बहुत आते हैं यहाँ? बिल्कुल, तूफान आते हैं यहाँ पर, हरिकेन तो आते रहते हैं. अब हमारे पिछले इसी जो सीजन गुजरा है इसमें हमारे इतने टोर्नेडो या हमारे एरिया में हिट नहीं करते, लेकिन ये पिछले जून में टोर्नेडो हिट किया हमारे एरिया में. बिल्कुल हमारे गुजरा एक हमारे इस फील्ड में से भी. अच्छा, तो हमारा वो जो वेलेंसिया ट्री था जी, उसके ऊपर से तकरीबन 4-5 फल लगे हुए थे जी, कोई 250 आम गिरा हमारा उस वक्त. अच्छा, के लेकिन ये के दरख्त तो नहीं गिरे मूल, लेकिन ये के फल काफी गिरा, तो वो टोर्नेडो हिट किया था.
सिंदड़ी आम है, सिंदड़ी है माशाल्लाह। ठीक है, तो हम इसको इंशाल्लाह वी गोना हैव अ फ्रूट ऑन दिस वन इन विद इन होपफुली नेक्स्ट 3 इयर्स। अच्छा, ओके इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि इवन दो पीपल से कि भाई अच्छा नहीं तो होता, लेकिन हम इसकी केयर करेंगे और हमारा ये या किससे हम फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे। तो खैर, यहाँ ग्लेन है, यहाँ का बड़ा कॉमन आम है। अच्छा, ये वाला, इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन ये अमेरिका का कॉमन आम है। ओके, छोटा सा पौधा लगाया था। ये ट्रिपल सी क्रिस्प के का पौधा है। अच्छा, ये वैरायटी की वजह से हमने लगाया है, टेस्ट करना चाहते हैं। तो फिलहाल आपका तजुर्बाती पीरियड चल रहा है, जब आप माहिर हो जाएंगे तो आप कहीं भी कर सकते हैं। अब ये जो पौधा है छोटा सा, लेकिन इसमें जो ना पॉमग्रेनेट का फ्लेवर, ये जो ना फ्लेवर देता है, ये आम है, ये पॉमग्रेनेट नहीं है। अच्छा, लेकिन अच्छा, ये उसका फ्लेवर, इसलिए नाम उसका ये रखा है। नहीं 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 नहीं, सॉरी, ये जो है ना सियांता लोन है, ये जो ना चाइनीज आम है, ये वाला जो। अच्छा, ये ऑरेंज शरबत आपने अगर देखा ना, ऑरेंज शरबत आइसक्रीम आपने देखी। हाँ जी, हाँ जी, इसका जो है ना फ्लेवर उसके ऊपर है। वाह, अब देखे ये आम है। फर्स्ट पर्सन टू थिंक दैट्स एन ऑरेंज ट्री, दैट्स नॉट द ऑरेंज ट्री। अच्छा, ये जूसी पीच मैंगो, पीच फ्लेवर आपको मिलेगा इसमें। अच्छा, क्योंकि अमेरिकन लोग जो है ना वो फ्लेवर पसंद करते हैं। ये देखिए, ये इसका स्टिकर है, इसका नाम क्या नदीर भाई? लेमन जेस्ट मैंगो, लेमन जेस्ट मैंगो। वाह, इसमें लेमन का टेस्ट होगा, लेमन का फ्लेवर। ये है पिकरिंग। अच्छा, ये जो आपने फासले रखे हैं, ये कितने रखे हैं एक से दूसरे में? हमने 16 फीट चूज किया। अच्छा, तो लेकिन वो कम है, और ज्यादा हो तो अच्छा है। ये वीनस मैंगो है, ये भी अच्छा मैंगो है। ठीक है, ये हमने अभी इसको टेस्ट किया था, हमारा प्लान है कि इसको हम चलाएंगे। दिस इज स्वीट मैंगो, गुड। तो आपको उसका फ्लेवर पर खुद से टेस्ट करना चाहिए। अच्छा, ये आपके दूसरे को जो ना मार्केट, यानी ये साइंस है, इल्म है, समझ के लग के इसमें महारत लेके आप करेंगे तो आप बहुत काम। ये इंडियन मैंगो है जी, जहांगीर। जहांगीर जी जी, ये इंडियन वैरायटी है। ये नाम किसने? वही कहीं जैसे जो जहाँ से आया और हाँ, जिन्होंने इसको आगे मार्केट किया। कोई अथॉरिटी है रेगुलराइज वगैरह करती नहीं? अच्छा, ये देखिए क्या है, ये लेमन जेस्ट है, वही जो हमने पहले देखा। ठीक है, वही मिशल है। ये जो मैंगो है ना जी, दिस इज वेरी स्वीट। अच्छा, आम इसका बड़ा होता है। अच्छा, तकरीबन जो है ना हमारा जो समझ ले कि हमारे 64 से डबल होता है इसका साइज। अच्छा, लेकिन वेरी स्वीट मैंगो। ये यहाँ का कॉमन आम है, ग्लेन। इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है। अच्छा, मीठा बस नॉर्मल ही है, दरमियाना सा मीठा। एप्रिकॉट है ये तो, आम तो नहीं है। नहीं नहीं, ये एप्रिकॉट आम तो नहीं है ना, ये आम है। एप्रिकॉट का पौधा लग रहा है मुझे। हाँ, अच्छा, लेकिन वेरीफाई कर। अच्छा, ये जनाब ये है मल्लिका मैंगो। मल्लिका मैंगो जो है ना मीठा आम है। अच्छा, ये इंडियन वैरायटी है और पाकिस्तानी इसको बहुत पसंद करते हैं। नदी साहब, इससे खाद बन जाएगी? ये इसको हम मल्च के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही पड़ी रहे ना और दो साल तो फिर ऐसा ये वो फर्टिलाइजर के तौर पे, सोल के तौर पे इस्तेमाल। और ये बस कचरा है, घास है, जमा करके आपने छोड़ दिया ये? हाँ, ये जो कुछ कभी वो दरख्त से क्रश करते हैं ना, उसको दरख्त मल्च बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। काटा, किसी ने पत्ते वत्ते काटे तो उसको जो है ना उसकी मल्च बना लेते हैं। और ये सही, जबरदस्त, काफी आम है भाई। तो 100 आम है, मैं तो देख देख के। वो हमारा वो जो कॉमन कॉर्नर एरिया है ना जी, वहाँ पर थोड़ी सी ना मिट्टी ऐसी निकलाई जिसमें वो रेड क्ले सोयल होती है ना, तो वहाँ उसको हम जो है ना, ये चीज जो है ना हमारे पाकिस्तान के लोगों के लिए भी, कि अगर उनके पास इक्विपमेंट अवेलेबल हो तो वो उसको सोयल को हम प्रिपेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। अच्छा, जैसे सैंड ला करके इसमें मिक्स करें। हाँ, रेगुलर पाकिस्तान की अगर लाहौर की सोयल अगर किसी लाहौर में लगाने हैं ना, हाँ, तो उनके लिए उसका तरीका ये है, फिर वो थोड़ी सैंडी सैंड मंगवाए। हाँ, अच्छा, और उसमें दूसरी सोयल मिक्स। अच्छा, करें, उसकी कंपोजिशन जो ना ऐसी हो जाए तो आप वैसी जमीन बना भी सकते हैं अपने शहर में। अच्छा, तो क्योंकि वहाँ थोड़ा क्ले निकल आया ना। हाँ, हाँ, तो मैं ये सारा जो है ना मल्च और ये वो उसकी फर्टिलाइजर सी बन जाएगी। हाँ, इसमें मैं थोड़ी सैंड मिक्स करूंगा तो फिर उसके बाद में वहाँ पर पौधे लगा रहा हूँ। नदीर साहब, आपकी हेल्प करते हैं ये साहब जी? ये इनका तलक मैक्सिको से है, मार्को।
अच्छा इनको बगैर आपसे पूछे काम किए जा रहे हैं जिम्मेदारी से समझदारी से, इनको पता है बिल्कुल, इसको एक काम में असाइनमेंट दे दिया ना। अच्छा तो ये उस असाइनमेंट को कंप्लीट, इसमें आप सब्जियां वगैरह लगाएंगे, इस पे पहले फास्ट बॉलिंग होती थी और बैटिंग होती थी, ये विकेट है, एक विकेट ये है और एक विकेट वो जहाँ हम बैठे थे, वो उसमें भी सब्जियां लगी हैं और ग्रीन टेंट जो है और इसके ऊपर भी ऐसे स्क्रीन होगी ग्रीन टेंट की तरह, ग्रीन हाउस होगा ये, और इसमें वेजिटेबल जो है ना हमारे घर में जो वाइफ मेरी इस्तेमाल करती है या हम पकाते हैं ना, तो वो सभी इसी से ही, जैसे पेपर, ग्रीन पेपर, रेड पेपर। तो मैरीलैंड में अपने दोस्त के यहाँ गया था, इकना के सदर हैं, उनकी बेगम ने घर की सब्जियां खिलाई थी, भिंडी, टमाटर, सब वो सब हमारे भी यहाँ पर होगा होती है। तो अगले साल मैं आऊंगा तो यहाँ सब्जियां होंगी इंशाल्लाह। पिछले से पिछला जो रमजान था हमारे इधर त्रावी भी हुई थी क्योंकि मसाजिद बंद थी। अच्छा। और उस साल टमाटर की इतनी फसल हुई कि तकरीबन ऑलमोस्ट हम डेली लोगों को टमाटर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अच्छा। इतना टमाटर हुआ था उस साल। और शुरू में जो आम निकलते हैं सुना वो भी आप दोस्तों में बांट देते हैं। इस साल भी हमने सारा जो है ना, बाकी कुछ जो एक कस्टमर आया जिसने बहुत सारा आम खरीदा है, बाकी सब हमने दोस्तों में तकसीम कर दिया। अच्छा अच्छा। तो थोड़े अरसे में मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं आमी आऊंगा तो बस एड्रेस भूल भी जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि भाई वो मैंगो वाले बाबा किधर है, और मशहूर हो जाएंगे आप, क्योंकि मैंने किसी और पाकिस्तानी को इस शौक से मैंगो की तरफ अमेरिका में देखा। एक तो लोग मसरूफ होते हैं। ये जो है ना मुख्तलिफ साइज़ के हैं, ये यहाँ पर गैलन के अंदाज़ से पौधे बिकते हैं। अच्छा ठीक है। तो ये हमने तो होलसेल में खरीदे थे, ये वैरायटी की वजह से हमने खरीदे हैं, हमें कुछ वैरायटी चाहिए थी, तो बाज़ बात एक या दो चार वैरायटी के लिए ना हमें 50 पौधे खरीदने पड़ते हैं। अब आप जब हम बात करते हैं ना रिटेल की और होलसेल की, तो अब वो फायदा भी है नुकसान भी है। हाँ। होलसेल में खरीदने वाला इसलिए होलसेल में आगे नहीं बेच सकता कि उसने एक वैरायटी के लिए 50 कैसे लेगा, 50 जो और पौधे भी खरीदे हैं साथ, तो वो किसी ना किसी तरह उसको मार्केट करना है। अच्छा अच्छा सही। तो बाकी आप पौधे क्या करते हैं, अगर आपको 10 चाहिए आपने 50 ले लिए तो? हमारा इस वक्त प्लान ये है कि हम इनको ना फेसबुक के थ्रू जो है ना पौधे भी बेचना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस वक्त काफी ज्यादा हो चुके हैं। हमारे पास वो खाली वो उस पार्ट के ना जमीन हमारे पास कम पड़ती जा रही है। ठीक है। जैसे मैंने देखा ना कि पहले हम एक दो साल अपना एक्सपीरियंस देखेंगे कैसा जाता है कि इसका कमर्शियली इसका हमें कितना फायदा होता है। नजीर भाई आपकी जो मैंगो का काम तो सीरियस है ना, मैं इतना खुश हुआ हूँ, तो आपकी वेबसाइट हम लोग बना के देंगे और आपकी जो डिजिटल फेसबुक पेज वगैरह है ना उन तमाम चीजों को करेंगे ताकि आप इसको तेजी से और आगे करें और हमारे लोगों को फायदा हो इंशाल्लाह। ये बिजनेस प्रपोजिशन जो है हम दोनों आपस में मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। नेबरहुड है अच्छा है, इस नेबरहुड के बारे में एक चीज मशहूर है कि भाई इसको जब हम लोग मूव हुए थे ना यहाँ पर तो इसको रेड नेक नेबरहुड कहा जाता था। अच्छा। यहाँ पर व्हाइट लोग होते थे। हाँ। वो व्हाइट लोग के जो जिन्होंने अभी तक टाउन को वो यहाँ वाटर की लाइन बिछाने नहीं देते, वो कहते नहीं हमारा अपना वाटर है जो हम जमीन से निकालते हैं और हमारा अपने सेप्टिक टैंक है। अच्छा। We don't need a city water. We don't need city अभी तक। अच्छा। इस एरिया में भी लोग जो पुराने रहने वाले लोग जो है करते हैं। अच्छा। यहाँ पर लोगों के पास लोगों ने घोड़े रखे हुए हैं, लोग अपना जो है ना कुछ भी ग्रो कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट भी उनको अगर आपने घोड़े रखे हैं तो या कोई और कोई लाइफ स्टॉक रखा हुआ है तो गवर्नमेंट आपको उसका टैक्स क्रेडिट देती है यहाँ। अच्छा। जो हमारी सिटी है सुना, आपको जो है ना उनको ये दिखाना है कि दिस इज नॉट अ फेक ओनली फॉर टैक्स सेक, यू आर ट्रूली डूइंग इट फॉर अ रीजन, गुड रीजन, कि भाई यहाँ तो ये कि आप लाइफ स्टॉक को बेच रहे हैं, कमर्शियल यूज कर रहे हैं या तो घोड़े आपने रखे हुए हैं तो उनको आप उनकी जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं अपने। जी जी। खाने पीने आए थे लेकिन ज़बरदस्ती मैंने कहा कि मैं रिकॉर्ड करूंगा, इन्होंने मना नहीं किया, इनकी मेहरबानी है। नज़ीर साहब जिस कंपनी का बता रहे हैं, मैंने वहाँ जॉब ली थी पहली अमेरिका में, नज़ीर साहब ने मुझे हायर किया था और इनसे मैंने काफ़ी सीखा, बहुत स्ट्रेस में और परेशानी में मैनेज करते हैं अपनी ज़ात को और काम को, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो काम कर रहे हैं ना मुझे इसमें काफ़ी स्कोप नज़र आता है, इसलिए मैंने सोचा कि इनकी गुफ्तगू को अपने उन पाकिस्तानी भाइयों तक पहुंचाऊं जो ऑलरेडी रिसर्च करते हैं या जो डॉक्टर फैयाज़ हैं, नुमान लारी हैं, ये मुझसे पूछते रहते हैं कि आपने मियाँ जावर का नहीं बताया, हमारे दोस्त ने पूछा कि इनसे कहो मियाँ जावर लगाएं। भाई वो आम बहुत अच्छा है, टॉप का है, बहुत एक्सपेंसिव बिकता है, जापनीज मैंगो है और उसमें टेस्ट फ्लेवर भी है, टेस्ट भी है, लेकिन हमारे लिए उसको यहाँ एक आम को मार्केट करना और उसका ढूंढना तो वो अभी थोड़ा सा वर्थ नहीं करता, क्योंकि हमारा जो स्कोप है वो तो ये है कि अभी इसको लोकल इनको मार्केट करें, लेकिन इन फ्यूचर वो अगर महंगा बिकता है। हाँ वो बहुत महंगा भी है और उसका
पौधा यहाँ पर मंगवाना जो है वो भी महंगा, तो वो भी अभी महंगा है। अच्छा। तो हमारे लिए वो कास्ट पर्सपेक्टिव जो है ना उसके लिहाज से अच्छा नहीं है। इंशाल्लाह अगर मौका मिला जापान के विजिट करने का तो उसको हम बिल्कुल जरूर। तो मैं इनको डॉक्टर फैयाज आलम से और नुमान दारी साहब से कनेक्ट कर दूंगा। तो आप फेसबुक का पेज वगैरह बनाएं ताकि कोई अगर सीखना चाहे रहा। मैं तो खुद सीखना चाहता हूँ। हमारे जो पाकिस्तान के आम है ना, यकीन और पाकिस्तान के आम की जो मार्केट है वो बहुत अच्छी है। पाकिस्तान का आम हर जगह जाता है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है मैं उनसे सीखना भी चाहता हूँ। दूसरे मैं चाहता हूँ कि ऐसा चैनल पर हो कि हम वहाँ से अपने पौधे और जो है ना यहाँ अपना आम तो मंगवा सकते हैं लेकिन आम के साथ साथ पौधे भी मंगवा सके लीगल तरीके से और यहाँ पर बेच सके। हाँ, वहाँ से फायदा उठाए और यहाँ का तजुर्बा उनसे शेयर करें। बिल्कुल। तो जब ये कोई पेज वगैरह बनाएंगे तो मैं शेयर कर लूंगा। बेल्ट अभी लगाई, भूल गए थे। तो आपका जो है माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छा इलाका है, साफ सुथरा। मैं अपने फैमिली से कह रहा था कि इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं दोनों तरफ, लैंडस्केपिंग देखिए इसकी। यहाँ रहने के बाद बहुत मुश्किल होगा कोई न्यूयॉर्क और शिकागो के डाउनटाउन में रहे। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। मैं खुद जब फ्लोरिडा में रहा हूँ ना, तो जब मैं बैक इन 2000 में शिकागो में होता था, मैं ओरेकल में काम करता था, तो वहाँ मैं कंसल्टिंग के लिए फ्लाई करके जाता था। तो मैंने एक सीजन स्नो का भी देखा। अच्छा। तो मैंने जब उन सड़कों पे स्नो के दरमियान ड्राइविंग की ना, तो फिर मैंने एक एक्सीडेंट हुआ मिलवाकी जाते हुए एक क्लाइंट के पास, तो आईसी रोड पे उसकी गाड़ी स्किड हुई। तो फिर वो एक जो पहले डाउट भी था ना थोड़ा सा कि भाई शिकागो में रह सकते हैं नहीं, तो हमने उसको रूल आउट कर दिया कि हम फ्लोरिडा के हैं, फ्लोरिडा में ही रहना। बर्फ से जो बर्फ में रहना मुश्किल है आपके लिए। बर्फ के एरिया में रहना मुश्किल है, लाइफ जो है ना बड़ी टफ होती है। पाकिस्तानी कम है, बोरियत नहीं होती आपको जैसे ह्यूस्टन में बहुत है? न्यूयॉर्क पाकिस्तानी हमारे यहाँ पर है। अच्छा। लेकिन चूंकि हमारा ये एरिया काफी फैला हुआ है फ्लोरिडा के वाले, अच्छा, लोग दूर दूर रहते हैं। अच्छा। वहाँ पर जो है ना कम्युनिटी करीब रहती है। अच्छा। और फिर जो लैंड इतनी नहीं है कि बहुत ज्यादा फैल के रहे अर्बन सिटीज में, तो वहाँ पर जो है ना लोग आते हैं तो एक ही चंद जो भी मसाजिद है वही सब कट्टे होते हैं। अब यहाँ पर फ्राइडे को प्रेयर पर तो आपको नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बाद आपको थोड़ी सी तादाद शाम में नजर आ जाएगी या फजर में, लेकिन बाकी प्रेयर्स में तो बहुत ही कम लोग होते हैं मसाजिद में। यहाँ हमारे दूसरे लोग क्या है, वो कोई मशहूर लोगों का बताइए जिनका बिजनेस अच्छा हो, बड़े नामवर शख्सियत हो। अच्छा। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़े डेवलप्ड हैं, जो हमारे लोकल कम्युनिटी की मैं बात बताऊंगा। अच्छा। कि भाई अपना अशरफ हमदानी है, खालिद मिर्जा है, ताहिर इस्माइल है, और ये तो हमारे अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी से है, कुछ हमारे कुछ अरब कम्युनिटी से और टर्कश कम्युनिटी से भी लोग हैं। टर्कश कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके बिजनेसेस हैं अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मायामी में, के जैसे प्लम्बिंग के ये प्रोडक्ट्स हैं या और ऐसी बहुत सारी इंपोर्ट प्रोडक्ट्स करते हैं वहाँ से तुर्की से, और फिर आगे जो है ना उसको फर्दर लैटिन अमेरिका भी मार्केट करते हैं। अच्छा। तो पूरे यूएस में उसको आगे जाके बेचते हैं। और हिंदुस्तान के लोग भी एक्टिव में मस्जिद वगैरह बनाते हैं, आगे आगे रहते हैं। हिंदुस्तान के लोग जो है ना बिल्कुल, एक मस्जिद यहाँ पर हमारे ब्रावट में जो बनी है। हाँ। सबसे बड़ी आईएफएस कहते हैं, इस्लाह तौफीक मस्जिद, और स्कूल भी है उसके साथ। डॉक्टर जाहिद कुरैशी और उनकी वाइफ स्मीना कुरैशी थी, उन्होंने इनिशिएट किया वो प्रोजेक्ट, उनका तल्लुक हैदराबाद इंडिया से है। तो लेकिन उसमें भी कम्युनिटी यहाँ मैंने वेस्ट इंडीज के लोग भी काफी देखे। बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ। और मुसलमान वहाँ से भी काफी है, जैसे आईएमओएफ मस्जिद हमारी जी, तो वेस्ट इंडीज से कम्युनिटी जो है वो गयाना ट्रिनिडाद की कम्युनिटी है। इसी तरह हमारी जो नूरुस्सलाम मस्जिद है जी, जो एक मैं समझता हूँ कि स्कूल के लिहाज से सबसे अच्छा जो ऑर्गेनाइज स्कूल पूरे हमारे फ्लोरिडा में है जी, इवन पूरा ये जो साउथ ईस्ट एरिया है इसमें जी, तो ये नूरुस्सलाम स्कूल है, ये एक्रेडिटेड है 12th ग्रेड तक है। यहाँ के बच्चे जो है ना हार्वर्ड में भी गए हैं और डॉक्टर्स भी बने हैं। अच्छा। अच्छा। तो ये स्कूल अच्छा स्कूल है, डॉक्टर के मैं यहाँ के इनके आजकल उनको पाशा चेयरमैन या डीन का टाइटल है। अच्छा। तो एक सीरियन है वो इस वक्त। मैंने सुना है कि आपके सूबाई जो हुकूमत है स्टेट की, वो अब जो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे उनको कुछ रिलीफ भी देगी, ऐसा कुछ है क्या आपके? ये पहले वो जो रिलीफ थी ना जी पिछले साल तक, वो तो इनकम बेस्ड थी। अच्छा। के जो लिमिटेड इनकम जिनकी है तो उनको वो दे रहे थे के अगर आप इस्लामिक स्कूल भेजते हैं, फीस देते हैं प्राइवेट स्कूल में जाए किसी में, तो उनको गवर्नमेंट से उनको ग्रांट मिल रही थी फी की सूरत में, लेकिन कम आमदनी वालों को। अब उन्होंने इस साल ये किया था कि भाई दे डोंट चेक योर इनकम, तो जैसे कि भाई आप
रिगार्डलेस आपकी क्या इनकम है, अगर आपने अप्लाई किया है और बच्चे का स्कूल में जा रहा है, स्कूल उसको एक्सेप्ट किया, तो उसकी फी जो है ना अप टू अबाउट 7,000 एवरेज वो जो है ना गवर्नमेंट उसको फी दे रही है। तो एक साहब बताते हैं कि ऐसा इन्होंने किया तो अपने ईसाई स्कूलों के लिए, कैथोलिक के लिए, लेकिन फायदा मुसलमानों को भी हो रहा है, सबको हो रहा है। यही चीज है यहाँ की कि भाई जब एक रूल या लॉ बन रहा है ना हाँ, तो उससे सभी उससे फायदा उठाते हैं। सही, तो $10,000-12,000 मिलेंगे? नहीं, मेरे ख्याल तकरीबन $7,000 के करीब का एक बच्चे, फिर भी काफी सहारा है, फिर भी बहुत है, बहुत अच्छा है। खाने पीने का भी तो बताएं, एक मैंने देखा है एलीज हलाल फूड अच्छा है, और क्या क्या मशहूर है अपने खाने की मैंने पीने के मामले में? यहाँ पर अपना महफल रेस्टोरेंट है, बहुत मशहूर है। उसके साथ एक ये खसूसियत है कि उन्होंने अपना हॉल बना हुआ है, शादी हॉल, तो जो शादी हॉल है वो बहुत अपने देसी कम्युनिटी उसको यूज करती है और वो अच्छी बात है। फिर उसके साथ उनका फूड भी अच्छा है। अब निराला रेस्टोरेंट है, उनकी एक तो स्वीट की जो है ना वो बहुत मशहूर है, तो फ्रेश स्वीट में वहाँ। अब जहाँ हम जा रहे हैं वो कौन सी जगह है? और निराला की एक बात की, उनकी नहारी मशहूर है, मशहूर है, अच्छा ठीक है। अब जहाँ हम जा रहे हैं, ये रिसेंटली इन्होंने शुरू किया है, खान बाबा के नाम से इन्होंने दो रेस्टोरेंट, दो लोकेशन शुरू की है। अच्छा, एक लोकेशन पे तो इन्होंने बारबेक्यू रखा हुआ है और तंदूर भी है साथ, जबकि ये जिस लोकेशन पर हम जा रहे हैं यहाँ पर उन्होंने मोर लाइकली फोकस ऑन ब्रेकफास्ट पर, इसी तरह के जैसे हमारे पाकिस्तान की रांची में है ना कि भाई चाय पराठा, तो वो पराठा जो है ना अंडा पराठा, पराठा कीमा, अच्छा, इस किस्म की जो वैरायटीज है हमने ये रखी है। लेकिन जो और रेस्टोरेंट्स हैं, अल सलाम अल नतूर रेस्टोरेंट अरब है, वो बहुत ही फेमस है, और अल सलाम है, ये दोनों फेमस रेस्टोरेंट है, तो उनका खाना बहुत अच्छा है। फिर तंदूर नाम से है, वो एक इंडिया के बैकग्राउंड से है, लेकिन वो हलाल कहते हैं बेचते हैं, और वो भी चंद एक रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो कि हैंड कट हलाल बेचते हैं। अच्छा, तो ये तंदूर वाले भी यही क्लेम करते हैं, ये जहाँ हम जा रहे हैं जी खान बाबा, ये भी क्लेम करते हैं कि हम हैंड कट चिकन बेचते हैं। अच्छा, और फिर वो कुछ और भी एक दो ऐसे रेस्टोरेंट है, बाकी तो ये कि हलाल तो भी है, सभी है, लेकिन वो जो एक अभी रिसेंटली ज्यादा फोकस है ना कि भाई चिकन हैंड कट हलाल होना चाहिए, जी, जी, मशीन कट, तो उस पर्सपेक्टिव से। तो नजीर भाई, फ्लोरिडा में नए लोग आ रहे हैं या यहाँ से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं? फ्लोरिडा में नए लोग आ रहे हैं और बहुत तेजी से आते रहे हैं, जो कोविड के दरमियान में जी जो फ्लोरिडा का इन स्विंग रेट था ना माइग्रेशन का, लोग इन कर रहे थे अबाउट 300 डे क्लास से, तो उसकी वजह से हमारी जो है ना मार्केट, रियल स्टेट मार्केट जो है ना बहुत महंगी हो गई। अच्छा, जो रियल स्टेट जिसकी वैल्यू जो थी ना वहाँ पर जो लोग आ रहे थे $1 million का, $2 million का घर बेच करके न्यूयॉर्क से आ रहे थे, उनको वैसा या उससे अच्छा घर, अच्छी लोकेशन यहाँ पर वही घर जो है ना उनको 400,000 में मिल रहा था। अच्छा, और लोगों ने कैश पे खरीदना शुरू कर दिया, और लोगों ने कहा सेहतमंद जगह है, खुली खुली है, तो सेहतमंद जगह है, वहाँ की तरह तंग नहीं है न्यूयॉर्क की तरह। तो उसका जो नुकसान लोकल हम लोगों को हुआ है कि हमारी रियल स्टेट बहुत महंगी हो गई है, हमारे बच्चे जो कि यहाँ पर प्लान था उनका कि यहाँ हम ग्रो हुए हैं तो यहाँ हम जगह कुछ खरीदेंगे अपने घर, तो नाउ दे कैन नॉट अफोर्ड इट एनीमोर अनलेस यू आर अ डॉक्टर जी। अच्छा, टॉप अर्नर। अच्छा, ये हम पहुंचे हैं खान बाबा रेस्टोरेंट में। नजीर साहब बता रहे हैं कि यहाँ के रेस्टोरेंट जो होते हैं मुसलमानों के, तो वो नमाज पढ़ने की जगह या मसल्ला भी रखते हैं, क्योंकि लोग आते हैं तो यहाँ पे अल तहूर कोई रेस्टोरेंट है तो उसके साथ अल तहूर मसल्ला भी है। और हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं खान बाबा में, इस तरफ ये रेस्टोरेंट है।